डमी कैसे की भी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सेशन आसानी से देख सकते हैं समझ सकते हैं क्योंकि इस सेशन में हम हर एक पॉइंट एनसीआर बेस्ड पी वाई क्यू बेस्ड कवर करते हैं लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं एनसीआर टी से सब चीजें करते हैं सो दिस इज अब बायोलॉजी आपको कहीं और कुछ और देखने की लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाला सेशन एक बार देख लिया तो मेरा नाम है सीप पाहूजा एंड आई एम अलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी अगर आप मेरे अगर आप आज मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं आपने कभी नहीं देखा है दिस इज योर फर्स्ट क्लास आपको मैं सजेस्ट करूंगी गूगल पर जाकर सीप पाहूजा लिंक ट्री डालें क्या डालें सीप पाहूजा लिंक ट्री सिपूजा मेरा नाम है ठीक है अच्छे से डालना ये नाम के बहुत कम लोग हैं खैर इस नाम का कोई नहीं है मतलब पूरे नाम का अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो एक बार गूगल पे जाकर लिंक ट्री जरूर डालिएगा वहां पर मेरे सेशन पड़े हैं आप ट्रायल के लिए वहां पर मेरे सेशन जरूर देख सकते हैं जस्ट फॉर ट्रायल आई एम टेलिंग यू अगर आपने कभी नहीं देखा है जिसने देखा है उसको इसकी वैल्यू पता है उसको पता है कि वो आता है तो पूरा लर्न करके जाता है लिख कर जाता है समझ कर जाता है एंड अपने नंबर जो है क्वेश्चन जो है वो पक्के कर कर जाता है ठीक है जी क्या कह रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर के चैप्टर बेटा नीट एग्जाम आने वाला है अगले अस्से दिनों में अब मेरे से इलेवंथ ट्वेल्थ के बारे में अलग अलग बातें मत करो मेरे लिए अब कोई इलेवेंथ नहीं है कोई ट्वेल्थ नहीं है मेरे लिए अब थर्टी टू चैप्टर्स है थर्टी टू के थर्टी टू चैप्टर्स अपन को करने हैं देर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज इलेवंथ और ट्वेल्थ सब करना है तो किसी भी ऑर्डर में होगा आप ऑर्डर मेरा फॉलो कीजिए अगर आपको किसी और का ऑर्डर मतलब अपने ऑर्डर से चलना है तो आप लिंक ट्री के अकॉर्डिंग चल सकते हैं वहां से जाकर देख सकते हैं इज दिस क्लियर जी बताना क्या ये बहुत हंड्रेड परसेंट क्लियर हुई यस yes. क्या वॉइस नहीं आ रही इज माई वॉइस कमिंग प्रॉपरली क्या प्रॉपरली आवाज आ रही है बताना एक बारी क्या प्रॉपरली आवाज आ रही है हर बच्चे को चलिए बहुत बढ़िया है तो आज का चैप्टर क्या है आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर चैप्टर महा 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 छोटा महा सिंपल एंड आसान है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बन सकता है इस एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ डेढ़ घंटा देना है और डेढ़ घंटे में हमारे चार नंबर हो सकता है इस बार चैप्टर कम हो गए थर्टी टू की जगह थर्टी एट की जगह थर्टी टू हो गए हो सकता है दो क्वेश्चन भी बन जाए यू कैन नेवर से दो भी आ सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम वन तो फोर टू एट मार्क्स का ये चैप्टर है एंड मैं ऐसे चैप्टर्स को जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे मतलब इनको घटिया से चैप्टर बोल देते हैं जबकि मेरे को लगता है ये सबसे अच्छे चैप्टर है सबसे अच्छे चैप्टर है इसीलिए है क्योंकि ये पढ़ोगे तो हंड्रेड परसेंट जो भी सवाल आएगा वो तुम कर लोगे डिफिकल्ट चैप्टर्स तो वो होते हैं जैसे जेनेटिक्स है प्लांट फिजियो है उसमें क्या है कि हम बहुत पढ़ते हैं बहुत बार पढ़ते हैं तो भी जो क्वेश्चन आता है वो हम कर नहीं पाते भाई ये चैप्टर पढ़ लोगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम हंड्रेड परसेंट कर लोगे And हंड्रेड परसेंट द क्वेश्चन इज गोइंग टू strictly strictly स्ट्रिक्ट ncrt एनसीआरटी एनसीआरटी से बाहर यहाँ पर आ ही नहीं सकता है बन ही नहीं सकता है बनता ही नहीं है तो नहीं बनता है सीधी सी बात है तो हमें बस उसका एक एक पॉइंट लर्न करके जाना है तो ये चैप्टर ज्यादा hai है क्योंकि यहाँ से short number le ले सकते हैं वहां पे श्योर शॉर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि दस आए हैं दस क्वेश्चन आए जेनेटिक्स में से आठ कर लिए दो छूट गए यहाँ पर अगर एक आएगा तो एक भी हो जाएगा पढ़ा हुआ है तो दो आएंगे तो दो भी हो जाएंगे तो ये चैप्टर ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ब्यूटीफुल है ज्यादा अच्छे से आप इसमें से स्कोर कर सकते हो मतलब इस चैप्टर का है कि 100 अपने अच्छा नहीं लगता बेटा जब अटेंडेंस नहीं लगती है तो अटेंडेंस लगा दो क्योंकि देखो मैं तुम्हारी शक्ल तो देख नहीं सकती मुझे नहीं पता तुम पीपीएफ लाए या नहीं लाए हो मेरे पुराने बच्चों को पता पीपीएफ क्या होता है पी बी एफ। पी माने पेन, पेपर, फोकस। अब यहाँ पर धर्मात्मा बन के नहीं बैठना है मैं हमेशा बोलती हूँ किसी के भी अगर ठंड में हाथ ठंड है मुझे पता है रजाई में बैठे हो वो भी पता है स्पेशली नॉर्थ इंडियंस अगर आप रजाई के अंदर घुस के ऐसे बिल्कुल अंदर हाथ डाल के और सामने फोन लगा के देख रहे हैं तो बेटा सोने की तैयारी कर लेना क्योंकि किसी को भी नींद आती है अच्छे से अच्छी पिक्चर भी चला दूंगी ना तो भी नींद आ जाएगी तो इसमें तो आई जाएगी पढ़ाई किसको पसंद है है ना और वो भी बायो वो भी माइक्रोब्स कौन करता है मैम लास्ट के एक दिन में करके जाएंगे तो प्लीज हाथों को बाहर निकालिए रजाई को साइड में रखिए उठ के बेड से नीचे जमीन पर बैठिए जमीन पर बैठिए चेयर पर बैठिए जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उस पर बैठिए एंड पेन और पेपर निकालिए सौ बार भी चैप्टर किया हुआ है एक सौ एकवी बार आप स्क्रिबल करेंगे स्क्रिबल करना सिखाया है जिसके पास नोट्स है वो स्क्रिबल करेंगे नहीं है तो बनाएंगे क्योंकि यही डेढ़ घंटा है जिसमें हम इस चैप्टर को लर्न करके निकलेंगे इसके बाद अब टाइम नहीं देना है यहीं पे मैं इसकी एनसीईआरटी भी रीड करा दूंगी और यहीं पे मैं आपको लिखवा भी दूंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजें ओके जी यस yes. ओके चलिए बहुत बढ़िया है जिसकी जिसके गर्मी चालू है तो वो एसी में ना बैठे हाँ ये भी मुझे बताना था गर्मी चालू है तो बेटा एसी में बैठना छोड़ दो अगर आपके पास एसी है कूलर है तो मत बैठिए मत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी एग्जामिनेशन सेंटर में एसी और कूलर नहीं लगा होता तो अपने आप को पंखे की आदत डालिए मैं तो कहती हूँ पंखे की बिना की आदत डालिए क्योंकि आपको नहीं पता आपकी सीट उस क्लास में पीछे आ रही है आगे आ रही है ऊपर पंखा है नहीं लगा है तो आपको गर्मी में पेपर देने की आदत होनी चाहिए मे इज द मंथ जब बहुत गर्मी होती है तो बिना पंखे के या बहुत कम हवा में भी आपको आदत होनी चाहिए तो अपनी आदतें बिगाड़िए नहीं उस हिसाब से बनाइए आप अपनी बॉडी को जैसे ढालेंगे वैसे वो बॉडी ढल जाती है है ठीक तो वो आपके ऊपर है आप कैसे ढालना चाहते हैं ओके चलिए शुरू करते हैं बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखिए इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ भागों में माइक्रोब्स क्या है वट आर माइक्रोब्स माइक्रोब्स आर बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकड आइस इसके नाम में आ रहा है माइक्रो माइक्रो माने माइक्रोस्कोप ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि तुम अपने आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हो मुझे नहीं दिख रहा हवा में कुछ है मुझे नहीं दिख रहा कि मेरे माउस के ऊपर कुछ है मुझे नहीं दिख रहा कि मेरी बॉटल के ऊपर कुछ है ये सारी चीजें मैं देख सकती हूँ अगर मैं इसको लेकर जाऊं माइक्रोस्कोप के नीचे यानी कि इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म इतने माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको नेकडाइस से नहीं देखा जा सकता है जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स एट्थ क्लास में अब तो तुम ड्रॉपर हो मैं कह रही हूं एट्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मुझे सच सच बताना किसको याद है एट्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रो और रिमेंबर डू रिमेंबर ऐसे लिखा होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो वहां पर आधी जनता ये याद करते हुए रह जाती थी कि फो क्या होता है फो क्या होता है फो का मतलब होता है एनिमी ठीक है का क्या, क्या मतलब होता है एनिमी तो वहीं से ये चैप्टर है बेटा हम एथ क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जो माइक्रोब्स है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और फो भी हो सकते हैं फो का क्या मतलब है मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं अब इस चैप्टर में मैं इनकी दुश्मनी के बारे में तो नहीं पढ़ूंगी दुश्मन तो है बैक्टीरिया मेरा कितना पॉक्स, पॉक्स ना खराब मतलब आपके कोल्ड लगना ये सब चीजें मुझे वायरस से हो जाती है प्रोटोजोआ से मुझे आ, मलेरिया हो जाता है हेलमेंटिक डिजीज से मुझे बेटा जी मेरा पेट खराब हो सकता है स्कैरियाज हो सकता है फनजाई से मुझे दांत खाद खुजली हो सकती है तो पो वाली चीज तो हम पढ़ते ही हैं किस चैप्टर में एचएचडी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज इस चैप्टर में 8थ क्लास का पहला पोर्शन पढ़ना है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ एज माय फ्रेंड मेरे दोस्त भी हैं मेरे दोस्त भी हैं कैसे कहाँ ह्यूमन वेलफेयर में हम इनको कहाँ यूज करते हैं ह्यूमन के वेलफेयर में क्या किचन में यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं क्या मार्केट में किसी चीज से यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो इनसे कोई गैस बना रहे हो काम की चीज क्या बना रहे हो तो वो काम की चीजें आज हमने पढ़नी है वो वाला पार्ट हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड वाला पार्ट हम आज करने वाले हैं फ्रेंड्स वाला पार्ट हम आज करने वाले हैं तो शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ठीक है जी रेडी है इस चैप्टर के लिए अब इस चैप्टर में बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी फ्रेंडशिप इन वेरियस फील्ड्स इन वेरियस कौन कौन सी फील्ड में बेटा जी पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि घर में कैसे कैसे यूज यूज करते हो हाउस 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 होल्ड 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 प्रोडक्ट 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 ठीक है जी यूज़ करेंगे एज क्या काम आते हैं कि नहीं आते देन बेटा जी इंडस्ट्रीज में ये मैं वही ऑर्डर लिखवा रही हूँ जिस ऑर्डर में आपकी एनसीआरटी में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल यूजेज ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें लार्ज स्केल में हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं देन हम करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है इस सब आज हमने डिटेल में पढ़ना है और एक ही क्लास में हो जाएगा ज्यादा इतना भी नहीं है देन बेटा जी हम करेंगे बायोगैस बायोगैस भी बनाते हैं ठीक है काउडंग वगैरह यूज करके देन अपने लोग यूज करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट देन अपने लोग बात करेंगे अबाउट द लास्ट पार्ट दैट इज बायो बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर तो इस चैप्टर में हमने माइक्रो की फ्रेंडशिप देखनी है इन सारे fields में हाउस होल्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस बायो कंट्रोल गैस बायो फर्टिलाइजर ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो रेडी सबसे पहले घर गृहस्थी से शुरू करते हैं तुम्हारे घर में तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा देखते हो कहेंगे मैम हम तो देखते नहीं हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है ही नहीं ये बोल दो बेटा सब बच्चे बोल दो ऑब्वियस बात बोल दो मैम मेरे घर में तो माइक्रोस्कोप है ही नहीं मैं थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता हूँ लेकिन बेटा ना चाहते हुए भी तुम उन्हें देख रहे हो तुम उन्हें देख रहे हो तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं चलते हैं बेटा जी आपकी किचन में आपकी किचन में रोज का रोज का बेटा जी एक यूजेज uh, होता है जो आप रोज खाते भी हैं नहीं खाते हैं तो आपको खानी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी कर्ड दही बनती है कर्ड दही है ना वो दही कैसे बन रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बन रही है आपने देखा होगा जब दही जमाते हैं हम लोग तो रात में या सुबह भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है जनरली हम लोग थोड़ी सी दही लेते हैं उसके अंदर बहुत सारा दूध डालते हैं गर्म दूध हल्का गर्म दूध वार्म मिल्क डालते हैं एंड उसको ढक के कुछ समय के लिए आठ से नौ घंटे के लिए छोड़ देते हैं उतने समय के बाद वो जो दूध हमने डाला था वो सारा दूध कन्वर्ट हो जाता है किसमें दही में तो ऐसे क्या मैजिक हुआ जिसने उस दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया वो मैजिक प्रेजेंट था वो दही के जामन में या दही के खट्टे में या उसके इनोक्युल में वहां पर एक बैक्टीरिया प्रस्तुत होता है दही के अंदर कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया प्रस्तुत होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस

ये मेरा कहना है ऐसा कोई एनसीआरटी नहीं कह रही है बट बैक्टीरिया के लिए अगर आएगा तो हम लोग यूज करेंगे बी वर्ड फंजाई के लिए आएगा तो एफ वायरस के लिए आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे वी ठीक है जी ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है तो मैं बारी बारी पूरा का पूरा बैक्टीरिया नहीं लिखूंगी बी लिखूंगी एफ लिखूंगी वी लिखूंगी बस इतने यूज हो रहे हैं और कोई खास यूज नहीं हो रहा तो सबसे पहला यूजेज जो है यूजेज जो है वो हाउस होल्ड में है दैट इज कर्ड फॉर्मेशन कर्ड फॉर्मेशन ठीक है कर्ड फॉर्मेशन में फटाफट से बस लिस्ट बनानी है हमने लिस्ट बनानी है कर्ड फॉर्मेशन में हमने क्या यूज किया बी एफ वी में से क्या यूज किया हमने यूज किया बी बी का क्या नाम है बैक्टीरिया बैक्टीरिया का क्या नाम है बैक्टीरिया का नाम है Lactobacillus. Lactobacillus. है लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस ठीक या फिर इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इसको बेटा जी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है एल ए बी बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये जरूरी होता है में ले लेती हूं. इसके अंदर बेटा जी थोड़ी सी दही डालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इनोक्युलम इस इनोक्युल में ऑलरेडी कौन मौजूद होते हैं एल ए बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फिर बेटा जी ऊपर से डाल देंगे बहुत सारा दूध ठीक है ये मैंने दूध डाल दिया एंड अल्टीमेटली कुछ घंटों के बाद फाइव टू सिक्स आवर्स के बाद इस पूरी टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद हो जाता है ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे तक बेटा जी क्या बन जाता है कर्ड बन जाता है ठीक है क्या बन जाता है कर्ड बन जाता है तो इसने क्या किया इसने प्रेसिपिटेट कर दिया मेरे दूध को फर्मेंट कर दिया मेरे दूध को तो देयर इज प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ऑफ दिख रहा है ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम

यस yes. क्या बना लेते हैं बेटा जी चीज बना लेते हैं चीज बेटा जी बहुत अलग अलग वेराइटी का होता है देर आर मेनी वेराज ऑफ चीज डिपेंडिंग अपॉन उसमें पोर्स हैं उसकी यू नो सॉफ्टनेस कितनी है एंड बेटा जी उसमें वाटर रिटेंशन कितना है ये सब चीजों पर बेटा जी डिपेंड करता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके के चीज होते हैं तो चीज एक नहीं है देखो प्लीज रिमेंबर दिस चीज इज नॉट पनीर पनीर की बात नहीं पनीर की बात नहीं हो रही है ये चीज की बात हो रही है जैसे बड़े स्टाइलिश से चीज आते हैं ना मोजरेला चीज चिदार चीज ये इन चीजेस की बात हो रही है तो एक क्वालिटी ऑफ चीज बेटा जी बनती है बैक्टीरिया से जो हमें याद करनी है ठीक है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया के लिए मैंने लिखा बी या फिर बैक्टीरिया लिख दिया एक क्वालिटी ऑफ चीज बेटा जी हम बनाते हैं फंजाई से ठीक है जी यस yes. बैक्टीरिया से जो चीज बनता है याद कर लो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज स्विस चीज क्या नाम है इसका स्विस चीज याद करो मेरे साथ क्या नाम है इसका स्विस चीज ये जो स्विस चीज है बेटा जी इट इज डेवलप्ड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम मेरे साथ साथ ही याद करना इसको घर पे जाके किसी ने समय नहीं देना तो बोल बोल के याद करो जैसे साथ में लिख रहे हो बोलो किसी को नहीं फर्क पड़ रहा तुम्हारे आसपास कोई नहीं है मम्मी है भाई है बहन है कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हारा पेपर है तुम बोल सकते हो बहुत सारे बच्चों को बोल बोल के याद होता है मुझे भी बोल बोल के याद होता है तो आप हल्की आवाज में डेफिनेटली बोल सकते हैं तो स्विस चीज बेटा जी कहाँ से बना प्रोपियोनी बैक्टीरियम से देन आता है फंगल चीज फंजाई से हम कौन सा चीज बनाते हैं तो फंजाई से बेटा जी हम लोग चीज बना सकते हैं दैट इज रॉक चीज रॉक चीज एंड कैमबर्ट चीज कैमबर्ट चीज हां जी यहां पर क्या यूज होगी फंजाई यूज होगी टॉकिंग अबाउट द रॉक फोट चीज फंजाईलियम रॉक फोर्ट आई बड़ा आसान नाम है penicillium जिसको आता है वो भी बेटा लिखें जिसको नहीं आता है वो तो लिखें और साथ में बोलें भी दूसरे का क्या नाम हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर का नाम लिखा है वैसे मैं नीचे वाले का नाम लिख दूंगी दैट इज पेनीलियम पेनीलियम कैम बट क्या हो गया बेटा आज कोई दिन है क्या मेरे से मिस हो गया है, है? क्या हो गया आज कौन सी तारीख है ओहो बेटा हाउ कैन आई फॉरगेट यहां पर वेले लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट हफ्ता शुरू हो चुका है साल का मैं कहूं ये चल क्या रहा है चैट सेक्शन में ये जो वेली जनता है जिसको जिंदगी में कुछ नहीं करना है उनका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक है स्टार्ट टूडे ओहो मैंने क्लास कैसे रख ली आज तो फ्लावर वाले पास जाके बैठ जाना चाहिए मुझे ओ बेटा बहुत मेरे से आज दिक्कत हो गई आज के पावन अवसर पर पावन अवसर ये जो सात दिन है उन वेले लोगों के लिए पावन अवसर है पावन अवसर पर मैंने क्लास रख ली मैं दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ मेरे को पता नहीं था बेटा क्योंकि मैं विली नहीं हूं ना ये जिसको पता हो वेला है आदमी और उसी को वेले बंदों के मैसेज आते हैं ओहो बेटा जी पता चल गया होगा अब तक क्या है मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर मैंने तो चीज बना दी है चीज से आगे बढ़ते हैं ब्रेड बनाते हैं थोड़ी सी हां जी तो चीज इज नाउ डन चीज के बाद चलते हैं नेक्स्ट बेटा जी हम लोग क्या बनाते हैं डोसा और इडली बनाते हैं यस yes, मेरे बच्चों मेरे साथ साथ करिए नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं डोसा एंड इडली किसको पसंद है मुझे भी बहुत पसंद हैल्दी फॉर यू ऑल्सो तो अगर कभी बाहर जाए बाहर, तो बाहर जाकर आप क्या खाएं अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो नूडल पिज्जा बर्गर खाने से अच्छा आप डोसा इडली खाए बिकॉज दैट इज हेल्दी अब डोसा इडली किसकी मदद से बनता है फॉर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मेंटेशन डन बा तो यहाँ मदद किसकी लेते हैं अपन लोग मदद किसकी लेते हैं बेटे अपन लोग बैक्टीरिया की लेते हैं स्ट्रेप्टोकोस, आ, स्ट्रेप्टोकोकस है ल्यूकोनोस्टॉक है वैसे दिया नहीं हुआ नाम बट मैं लिख देती हूँ ठीक है जी तो ये मेरी बात हो गई दी द बैटर ऑफ डोसा एंड इडली दीज आर फर्मेंटेड इन बैक्टीरिया जनरली बच्चे इसको गलत लिख के आ सकते हैं ईस्ट लिख के आ सकते हैं जबकि ईस्ट नहीं है इसका आंसर क्या है बैक्टीरिया है नंबर चौथे पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे योगट योगट बेटा जी थोड़ी फैंसी वाली कर्ड हो गई योगट थोड़ी फैंसी वाली कर्ड ये कर्ड नहीं है बट उसके जैसा ही मिलता जुलता है इसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं बैक्टीरिया का यूज करते हैं अगेन द बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी लैक्टोबैसिलस करो। बैक्टीरिया गोइंग टू तो बी बैसी लस। जी? बैसी लस। देन क्या बनाते ब्रेड भी बनाते हैं बना खाते हो ना बेटा हाउस होल्ड में ब्रेड ये दिस ब्रेड इज फ्रॉम बैक्टीरिया नॉट हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ऑप्टेन करते हैं बेटा जी फंजाई की मदद से यहां पर जो फंजाई यूज होती है उसका नाम है बेकिंग तो इसको बेकरज ईस्ट भी बोला जाता है तो सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस ठीक है जी इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेकिंग से बनती है ब्रेड तो ये बन गई मेरी बेकर बेकर बेकरज ईस्ट ये क्या रिलीज करती है बेटा ये जब सांस लेती है रेस्पायर करती है तो सीओ टू रिलीज करता है तो सीओ टू विल अल्टीमेटली एड पफिनेस टू माई ब्रेड मेरी हेड मेरी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और पफी हो जाएगी जितनी ज्यादा सॉफ्टनेस आएगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वो ब्रेड है ठीक है उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वो ब्रेड है क्लियर हो गया यस फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन से बनी मैंने लिखा ऑफ डो तो बेसिकली यहाँ पर अपने लोग क्या कर रहे हैं फर्मेंटेशन ऑफ डो जो भी हमने उसका बैटर टाइप बनाया है डो बनाया है उसकी फर्मेंटेशन अपन लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए यहां तक बताओ याद हुआ या फिर नहीं हुआ अभी तक मैंने क्या क्या बताया है एक तो कर्ड फॉर्मेशन बताया है बैक्टीरिया चीज फॉर्मेशन बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के साथ दो साइडली बैक्टीरिया योग बैक्टीरिया ब्रेड जो है वो फंजाई की मदद से बनती है देन अपने लोग फॉर्मेंटेशन करेंगे बैंबू का फिश का एंड सोयाबीन का तो यहाँ पर डब्बा बना दू रोकि इसको मैं इधर रख देती हूँ लेट मी जस्ट प्लेस इट ऑन राइट साइड हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है उधर रख दिया तो नंबर सिक्स इधर रख रही हूँ तो नंबर सिक्स मैं यहाँ पर रख ले रही हूँ फोर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन फॉर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन यहाँ से भी कुछ बनता है ठीक है फिश बैम्बू क्या क्या बनाते हैं हम यहाँ से यहाँ से हम लोग बनाते हैं टोफू काया पनीर जैसा होता है सूफू एज वेल एजे ओके जी यस yes, तो ये बात हो गई मेरी कॉमेंटेशन ऑफ सोयाबीन की देन हम चलते हैं एक स्पेशल ड्रिंक पे जो कि साउथ में मिलती है जिसका नाम है टॉडी ड्रिंक क्या नाम है बेटा जी टॉडी ड्रिंक साउथ इंडिया में काफी फेमस ड्रिंक है बेटा जी ये कैसे मिलती है यहां पर फर्मेंटेशन की जाती है सैप ऑफ पाम प्लांट तो वी आर डूइंग द फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन कर रहे हैं विथ यीस्ट यीस्ट क्या हो गई यीस्ट हो गई फंजाई है ना फंजाई के साथ फर्मेंटेशन कर रहे हैं ऑफ सैप ऑफ पाम केरियोटा पाम ये एक मोनोकॉट है दिस इज मोनोकोट मोनोकॉट एंड यहां से अपने ने क्या बनाई एक साउथ इंडियन ड्रिंक बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया टॉडी ड्रिंक यहां पर हमारे समाप्त हो गए हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड क्या समाप्त हो गए हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड तो एक बार फटाफट से यहां से रीडिंग बजवा दू तुम्हारी बताओ रीडिंग बजवा दू लर्न हो गया ना एक बार और लर्न हो जाएगा जब हम फटाफट से इसको एनसीईआरटी से भी देख लेंगे यही तरीका होता है पढ़ने का साथ साथ लिखा साथ साथ देखा देखा लिखा तो इससे आप ट्वाइस एनसीईआरटी एक तरीके से रीज रीड uh, कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं ये दिख रहा है हाँ दिख रहा है माइक्रोब्स प्रेजेंट एट ऑलमोस्ट एवरी जगह हर जगह पे मिलेंगे थर्मल वेंट्स में मिलेंगे हाई टेम्परेचर पर मिलेंगे स्नो में, मिल में मिल जाएंगे बहुत डाइवर्स animal, है ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं तो कह रहे हैं माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म द कॉलोनी अभी हम अगले पेज पे जाएंगे दैट कैन बी सीन विद नेकेड आइस तो इन कॉलोनीज को हम लोग जब ग्रो करते हैं तो बेटा जी हम नेकड आई से दे सकते हैं सच आर यूजफुल बैक्टीरिया दिखा रहे हैं ए वाले में ये देख लीजिए रॉड शेप बैक्टीरिया रॉड शेप क्या होता है आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में शेप्स ऑफ बैक्टीरिया किया रॉड शेप राउंड शेप रिंग शेप कॉमा शेप Arm, तो आपके स्पाइरलम होते हैं ठीक है तो ये कह रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ सो मैग्निफिकेशन पे देन बेटा जी स्फेरिकल दिख रहा है यानी कि कोकाई टाइप दिख रहे हैं राउंड राउंड मुझे स्फेरिकल दिख रहे हैं एंड अ रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लाजेला ये देखिए ये रॉड शेप बैक्टीरिया है एंड उसके साथ अपन को फ्लाजेला भी दिख रहा है 5, 50, रेजोल्यूशन पे इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन पे तो ये मैंने देख लिया अब आ जाइए एट पॉइंट पे एट पॉइंट डायग्राम पे क्या दिखा रहे हैं भाई ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं वायरसेस हैं तो वायरसेस देखिए सबसे पहले इसने क्या दिखाया है बैक्टीरियो This is a bacteriophage. ये आपको already पता है Bacteriophage दो ही चीजों से बनता है एक तो उसका genetic material और एक उसके बाहर का protein का capsid. तो ये हो गया head, बीच का हो गया collar और ये क्या हो गई ये क्या हो गए इसके प्रॉन्स निकल रहे हैं फ्रॉम द टेल प्लेट आ जाइए सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है सेकंड नंबर पर हमें दिख रहा है एडीनो वायरस इन्फेक्शन ये चीज टेक्स्ट में नहीं दी हुई ये चीज सिर्फ बैक्टीरिया में लिखी दी हुई डायग्राम में दी हुई है इसीलिए मैं हाँ यहां पर लिख रही हूँ ये यहाँ क्या बता रहे हैं एडीनो वायरस ये क्या कॉज करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन ये सबको याद रखना है क्या कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नेक्स्ट

नहीं देख सकते लेकिन जब तुम न्यूट्री न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर ग्रो करते हो तो तुम देख सकते हो तो तुमने आंखों से देख लिया कि भाई ये क्या है मेरी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और ये कौन सी कॉलोनी दिख रही है फंगल कॉलोनी सो दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी

जिसने यहां अच्छे से एक घंटा लगाया है उसको घर पे टाइम नहीं देना है चलिए तो सबसे पहला द कॉमन एक्साम्पल इज प्रोडक्शन ऑफ बोलते हैं मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में हो गया ड्यूरिंग ग्रोथ एल ए बी प्रोड्यूस एसिडुलेट एंड द मिल्क मैंने आपको इस प्रोटीन का नाम भी बताया क्या आप नाम बताया ठीक है जी स्मॉल

वेजिटेरियन पीपल जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो बी ट्वेल्व मिल जाता है non -wish, non -wish से. लेकिन जो वेजिटेरियन है दे आर यूजली यूजली डेफिशेंट इन वाइटामिन बी ट्वेल्व उनमें नहीं होता है तो उनको तो दही बिल्कुल खानी चाहिए यहाँ से दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व और आप लोगों को स्पेशली कई बार कुछ बोल बच्चे बोलते हैं है ना मैम हमें बहुत थकान महसूस होती है हम खाते तो पूरा है बट फिर भी वी फील वेरी मच लेथरजेक ये मत कहना मैम मुझे तो होती है ठीक है जिसको होती है उनको अपने बी करा के रखने चाहिए क्योंकि जनरली ये जो थकान है है ये B12 की कमी से होती जनरली बट अगेन यू हैव टू गेट योर लेवल्स चेक वहां से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर सफिशियंट बी ट्वेल्व है भी या फिर नहीं है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं इन आवर स्टमक एल ए बी प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स तो बैक्टीरिया जो है ये मेरी स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोव से भी अपने को बचाता है तो पहला इसने ये रोल रोल बता दिया क्या हमें याद हो चुका है अब कर्ट तो कभी भूलेगा नहीं अगला आ जाइए डो डो इज फॉर मेकिंग फूड माने हुआ आटा जैसे आटे को हैं ना आटा आटा इज अ फ्लावर कोई भी आटा हो सकता है मैदा हो सकता है या अदर काइंड ऑफ फ्लावर जब उसको गूंद देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डो तो जो डो है जिससे अपन लोग डोसा इडली बनाते हैं वो बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनता है तो यहाँ पे अगली चीज मेरे को क्लियर होगी कि डोसा इडली का जो डो है वो मुझे बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से मिलेगा एक्सपीरियंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सीओ टू बात है जब हम डो को ढक के रख देते हैं कि भाई ये थोड़ा फूल जाएगा तो किस वजह से फूल रहा है क्योंकि उसमें पोर्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं सीओ टू की वजह से आ रहे हैं ठीक है यस yes. ये तो आपको पता ही है किस पाथवे से सीओ टू रिलीज होगा ऑब्वियसली रेस्पिरेशन वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फॉर्मेंटेशन कम फ्रॉम कहां से आ रहे हैं ये बैक्टीरिया बताओ कोई बता सकता है

ट्रेडिशनल ड्रिंक की बात की है टॉडी ड्रिंक ड्रिंकन इंडिया में मिलती है बात होगी फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम प्लांट मैंने बता दिया मोनोकॉट दैट इज पाम माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश सोयाबीन एंड बैंबू शूट्स टू मेक फूड चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म इसने बताया नहीं कि क्या क्या बन रहा है मैंने आपको बता भी दिया कि फिश सोयाबीन बैंबू से क्या क्या बन रहा है टोफू सोफू एंड टेम्पे बन रहा है देन बेटा जी चीज की बात की है

विद दिस वी आर डन विद माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड पहला वाला हमने आज का गोल कंप्लीट कर लिया दूसरे गोल की तरफ बढ़ते हैं इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं चले इंडस्ट्री की तरफ यस मेरे बच्चों तो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज ही हम सारे कर लेंगे हमको पूरी पूरी चीज याद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडस्ट्रियल यूजेज तो सबसे पहला जो तुम्हारा फेवरेट इंडस्ट्री तुम्हारा नहीं कुछ लोगों का दैट इज द एल्कोहल इंडस्ट्री दारू है ना एल्कोहल इंडस्ट्री एल्कोहल जो है वो किससे बनती है फंजाई की फंजाई से बनती है किससे बनती है, किस है? फंजाई से बनती है कौन सी फंजाई यीस्ट एल्कोहल बनाने के लिए मुझे ब्रूअरी सेट करनी पड़ती है इसी वजह से इस यीस्ट को बोला जाता है ब्रूअर्स क्या बोला जाता है क्या नाम है ये भी वही है ब्रेड वाली ब्रेड वाली कौन सी थी सेरेविसिए ठीक है जी यहाँ पर हो क्या रहा है हम तो अंगूर का वो ले रहे हैं है ना फ्रूट जूस ले रहे हैं मोल्टीड सीरियल्स ले सीरियल ले, ले रहे हैं एंड अल्टीमेटली सैक्रोमाइसिस डाल के उसकी क्या कर रहे हैं फर्मेंटेशन कर रहे हैं फ्रूट जूस की फर्मेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग फ्रूट्स ले सकते हैं ग्रेप्स ले सकते हैं और भी बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हैं एंड अल्टीमेटली उसकी फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बनाते हैं एथेनॉल माने अल्कोहल बनाते हैं तो बेसिकली अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन से प्रोसेस क्या है फर्मेंटेशन किसने किया बाय दिस यीस्ट ठीक है अब मैं दो कैटेगरीज में अल्कोहल को डिवाइड करूंगी दो कैटेगरीज के मैं बेवरेजेस को डिवाइड करूंगी या अल्कोहल को डिवाइड करूंगी

फिर अब उन चीजों की डिस्टिलेशन कर लोगे तो और वैरायटी बन जाएगी तो पहले मैं नॉन डिस्टिल्ड वाला बोलते हैं कि भाई अगर ड्रिंक लेनी है तो ये ले लो हेल्दी है जबकि बेटा लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग फॉर वन टाइम एंड फॉर ऑल टाइम देयर इज नो अल्कोहलिक ड्रिंक विच इज हेल्दी

ये हो रहा है ना तो चाहे डिस्टिल्ड हो चाहे नॉन डिस्टिल्ड हो एल्कोहल अपने आप में हेल्दी नहीं है और कोई डोजेज भी नहीं है कि थर्टी हेल्दी और हेल्दी और तीन चार हेल्दी हेल्दी नथिंग इज ठीक है जी तो नॉन डिस्टिल्ड सेगमेंट में क्या आएगा वाइन आ जाएगा, जाएगा एंड बेटा जी क्या आ जाएगा बियर आ जाएगा वाइन एंड बियर मतलब एक तरीके के अल्कोहल है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज अपने को अल्कोहल का दिखता है देन डिस्टिल्ड में आ जाइए जो डिस्टिलेशन से बनती है जो बाकी बच गई विस्की ब्रांडी वोडका है ना और विस्की हो गया ब्रांडी हो गया वोडका हो गया रम आ, और बताओ स्कॉच ठीक है तो ये सब किस सेगमेंट में आ जाएंगे आपके, डिस्टल्ड वाली सेगमेंट में आ जाएंगे ओके जी यस तो मैक्सिमम परसेंटेज जो अल्कोहल का जनरली हम लेते हैं so, का कितना रहता है थर्टीन परसेंट जिसमें नौ परसेंट से लेकर बारह परसेंट तक जाता है बियर में अराउंड थ्री टू सिक्स परसेंट तक जाता है सो देर इज नो अमाउंट ऑफ एल्हल विच इज हेल्दी एंड देर इज नो डोजेज ऑफ एल्कोहल विच इज हेल्दी तो अगर कोई आपको ऑफर भी करे ना उसके आगे आपने क्या करना है कोई अगर तुम्हें ऑफर कर दे ऐसे आज जोड़ देना है. भाई मेरे सामने ये सब चीज़ें ना रख हमने ट्वेल्थ में चैप्टर पढ़ा हुआ है ये इंडस्ट्री जो भी है वहां कमाने दो उसको मेरे को अपनी हेल्थ नहीं खराब करनी है बीइंग अ डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है हम डॉक्टर्स एज अ रोल मॉडल्स होते हैं पेशेंट के लिए क्योंकि मुझे डॉक्टर की तरह हेल्दी होना है लेकिन अगर डॉक्टर ही ये सब करता हुआ पाया जाएगा तो क्या डॉक्टर और क्या उस पर ट्रस्ट है ना मेरे बच्चों तो, तो दिस इज नॉट एट ऑल गुड नो वन शुड डू इट ठीक तो ये मेरी बात होगी अल्कोहल की अगला बेटा करते हैं इंडस्ट्रीज में दैट इज एंटीबायोटिक। करें तो ये अल्कोहल को इधर डब्बे में डाल देते हैं नंबर टू पे आ जाइए देखिए ट्रेडिशन एंड ऑल आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट आई कैन कॉमेंट ऑन ओनली द साइंटिफिक इफेक्ट ऑफ ड्रिंक्स ऑन योर बॉडी एंड साइंटिफिकली आर नॉट गुड ठीक है जी तो नहीं करनी चाहिए बहुत बढ़िया बेटा एग्जाम्पल के तौर पे भी आप किसको लेके आए आपका रोल मॉडल है ना सब बच्चों का रोल मॉडल कबीर सिंह बेटा बाहर आइए उस मूवी से बाहर आइए मूवी का नाम मूवी क्यों है मूवी से पहले ना बेटा एक डिस्क्लेमर आता है जितनी घटनाएं इस मूवी में दिखाई जा रही हैं ये सब काल्पनिक हैं। काल्पनिक का क्या मतलब होता है फिक्टिशियस हैं यानी कि फिक्शन है फिक्शन का क्या मतलब होता है ये सच नहीं है डॉक्टर ऐसा नहीं होता है और अगर ऐसा डॉक्टर होता है वो एक दिन में उसको जेल हो जाती है उसकी तरह नहीं बेटा कि इन द इफेक्ट ऑफ नशा वी आर डूइंग द ऑपरेशन वेरी वेरी रिस्की वेरी वेरी बैड एंड द बैड एटीट्यूड शोन बाय मतलब क्या बोल सकते हैं बट काल्पनिक घटनाओं में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो तो वो एक डायरेक्टर की एक स्टोरी राइटर की इमेजिनेशन थी कि बीइंग अ डॉक्टर ही इज डूइंग ऑल दिस बट दैट शुड नॉट बी अर रोल मॉडल रोल मॉडल बेटा अगर किसी को बनाना है ना आप अच्छे सीरीज देखिए बहुत सारे अच्छे सीरीज हैं यू माइट हैव अभी तो मत देखिए नीट के बाद देखिएगा देयर इज गुड डॉक्टर देयर इज ग्रेज एनाटॉमी देयर आर मेनी गुड सीरीज वहां पर आपको रियल डॉक्टर का, का काम उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर वर्क ये सारी चीजें पता चलेगी है ना बच्चों तो अच्छी चीजें देखा करो ये सब चीजों को अपने रोल मॉडल मत बनाया करो चलिए नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। मेरे पास कौन सा रोल आता है एंटीबायोटिक हाँ जी, एंटीबायोटिक बेटा जी एंटी माने अगेंस्ट बायो माने लाइफ कोई ऐसी चीज जो जिंदगी के अगेंस्ट है किसकी जिंदगी के अगेंस्ट है मेरी जिंदगी के तो अगेंस्ट नहीं है दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया ये किसके अगेंस्ट है बेटा जी बैक्टीरिया की जिंदगी के अगेंस्ट है आपने देखा होगा आपको टाइफाइड हो जाए टीबी हो जाए या कोई भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो जाए तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं वो एंटीबायोटिक उसकी जिंदगी के अगेंस्ट है तभी उसका नाम है एंटाइबायोटिक इट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया द डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक वाज डन बाय सी सीरेंडिपिटी एक मूवी का भी नाम है सीरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस अपन लोग इसको डिस्कवर करने चले नहीं थे बट ये हो गया ठीक है बाय चांस बेटा जी इसकी डिस्कवरी हो गई कैसे 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 बेटा जी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्सेंडर फ्लेमिंग एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेंसिल थोड़ा सा फिर से परेशान कर रही है बट कोई बात नहीं हम फिर भी इससे काम चलाएंगे ये जो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग थे ना दे वर वर्किंग ऑन स्टेफाइलो कोकाय एंड उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया ियम नोटेटम कैसे बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहे थे, कोकाई, कोकाई कि पे काम कर रहे थे। तो बैक्टीरिया पेट्री डिश में ग्रो करते थे तो जनरली बेटा जी मान लीजिए इस पे डिश पे बेटा जी बैक्टीरिया ग्रो करते थे वो समझ रहे yes. एक डिश, एक डिश, वो ना बिना धोए बिन, आ, चले गए इसमें बैक्टीरिया थे एंड अनवॉश्ड है ये पेट्री डिश घर चले गए ठीक है जी घर चले गए नेक्स्ट डे उन्होंने क्या देखा नेक्स्ट डे आए उन्होंने देखा यार सारे बैक्टीरिया मर गए सारे जो थे दे आर डेड भाई ऐसा क्या हुआ एक दिन में एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि जितने बैक्टीरिया उन्होंने इस पेट्री डिश पे ग्रो करे थे सारे मर गए देन उन्होंने फिगर आउट किया कि ऐसी क्या चीज हुई उन्होंने फिगर आउट किया कि इस पेट्री डिश में देर वॉज ग्रोथ ऑफ अ फंजाई एक फंजाई ग्रो करी इस पंजाई में से कोई ना कोई केमिकल आया केमिकल आया जो कि बैक्टीरिया की, की जिंदगी के खिलाफ था विच वॉज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया तो हुआ ना बेटा क्योंकि वो काम तो सिपाही को कैपे कर रहे थे उनका कोई एम तो था नहीं कि मैं एंटीबायोटिक तो को डिस्कवर करूंगा बट बाय चांस वो बिना धुली हुई छोड़ गए सारे बैक्टीरिया मर गए तो उन्होंने फिर फिगर आउट करने कोशिश की की कोशिश कि भाई ऐसा कैसे हुआ तो पता चला एक फंजाई की वजह से हुआ जिसने कुछ केमिकल रिलीज किया और इसी केमिकल को हम लोग नाम देते हैं एंटा क्या नाम देते हैं एंटीबायोटिक तो ऐसी कौन सी फंजाई थी जिसने ऐसा किया द नेम ऑफ द फंजाई बेटा जी जो यहाँ से डिस्कवर हुई दैट इज पेनीलियम ियम नोटेटम नोटेटम किस कैटेगरी को बिलोंग करती है किस क्लास को बिलोंग करती है एस्कोमाइसिटीज याद होना चाहिए ये हमने पढ़ा हुआ है एंड बेटा जी इसने जो केमिकल बनाया, ये जो केमिकल की बात हो रही है ना कौन सा केमिकल बनाया इसने? नेम ऑफ द एंटीबायोटिक आ जाएगा दैट इज पेनिसिलिन कौन सा बनाया पेनिसिलिन ठीक है तो पेनिसिलिन बनी मेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड ठीक है जी yeah. पता चला तो फर्स्ट किसने की बाय बाय चांस फ्लेमिंग लेकिन इसका पूरा पोटेंशियल वो नहीं जान पाए थे इसका पूरा पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक के लिए दो साइंटिस्ट और आए पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक किसको याद है किसको याद है कौन आए थे दो साइंटिस्ट आए थे इन दो साइंटिस्ट का क्या नाम था चेन एंड फ्लोरे चेन एंड फ्लोरे ठीक है जी तो भाई तीनों को नोबल प्राइज मिलना चाहिए अकेला तो अलेक्जेंडर नहीं आएगा तो अब प्राइज के जो हकदार हो गए वो तीन लोग हो गए, इस आलेक्षेंडर। आलेक्षेंडर भी आ गए चेन भी आ गए एंड फ्लोरे भी आ गए फ्लोरे भी आ गए इन तीनों को बेटा जी इसकी डिस्कवरी के लिए 1945 आजादी से दो साल पहले क्या मिला नोबेल प्राइज ठीक है याद रखोगे इस चीज को एंटीबायोटिक वाली चीज याद रखोगे कोई टफ नहीं है बहुत आसान है नाम याद करना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेन फ्लोरे फिर एनडीपी टी से डिस्कवर हुआ काम वो बैक्टीरिया पे कर रहे थे एक दिन ऐसे छोड़ गए तो देखा कि बैक्टीरिया मर गए पता लगाया तो एक फंजाई ने मारे फंजाई का नाम था पेनिसिलियम केमिकल का नाम था पेनिसिलिन अल्टीमेटली पता चला कि ये एंटीबायोटिक है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया है ठीक है जी चलिए आगे करते हैं वैसे तो मैं आपको बताऊं मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अपने को बैक्टीरिया से मिलती हैं ये जो मैंने एंटीबायोटिक बनाई किस बनाई किससे है से बनाई है बट एक्चुअली में एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से भी मिलती है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे आर फ्रॉम द बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक है कानामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन ये सब क्या है आपकी एंटीबायोटिक्स है चलिए और बनाते हैं हम लोग कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूजेज ंग टू बी सर्टेन केमिकल्स साथ साथ याद कर रहे हो केमिकल्स और ये जो शीट है इस शीट में से बहुत बड़े क्वेश्चन हुआ है बहुत बारी तो प्लीज इस शीट को अच्छे से करना अभी की अभी इनको याद कर लेना कर सकते हो याद कर सकते हो हाँ जी कुछ एसिड्स बनाऊंगी ऑर्गेनिक एसिड्स बनाऊंगी क्या बनाऊंगी ऑर्गेनिक एसिड्स अगर हमारी पेंसिल ने साथ दिया तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनाऊंगी चलिए पेंसिल से थोड़ी मदद मांगते हैं भाई पेंसिल जी हमारा साथ दीजिए तो पहला ऑर्गेनिक एसिड इज गोइंग टू तो बी सिट्रिक एसिड 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 तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू तो बी ये वाला कलर दिख रहा है सिट्रिक सिट्रिक बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए सिट्रिक एसिड बनाने के लिए मुझे फंजाई चाहिए बैक्टीरिया चाहिए क्या चाहिए तो पहले अपन लोग लिखेंगे इट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम अ फंजाए नाम क्या है इस फंजाई का नाम क्या है इस फंजाई का दैट इज गोइंग टू बी एस नाइगर

कल बताया था जिसने कल की क्लास पूरी सुनी है उसको आता है नहीं बेटा ये नहीं मैं मैं पूछ रही आयशा कल की क्लास में से सवाल पूछ रही हूं। कल सिखाया था वेरी गुड निमेश साहू एब्सोल्युटली राइट निमेशा उषा केतन पूजा तनिषा प्रतीक राजे एंड खुशाल गायत्री वंशिका बहुत बढ़िया कल मैंने सिखाया था एसिटिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड टेस्टोस्टेरोन तो मुझे गुड और... कल की चीज याद है बहुत बढ़िया है चलिए तो एसिटिक एसिड बनाते हैं एसिटिक एसिड ऑज ऑबटेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का क्या नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई बड़ा आसान है इसका नाम एसिटोबैक्टर अभी के अभी याद करो ये एसिटोबैक्टर

विटायरिक एसिड भी किससे बनता है बैक्टीरिया से बनता है एंड द बैक्टीरिया नेम नेटा ठीक है इसको बिटायरिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं विटायरिक एसिड बैक्टीरिया सिंपल दिख रहा है यस एसिड बैक्टीरिया बहुत बढ़िया नेक्स्ट बढ़िया आगे नंबर फोर पे आ जाते हैं अब आते हैं अपना

इसमें से सवाल आएगा मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ सवाल के तौर पे बेटा जी मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये देखिए सवाल आया हुआ है मैं सारे सवाल ऑन दिस ओनली ये, on only, ये जो ऑर्गेनिक एसिड याद करके गया था उसके लिए चार नंबर फ्री के थे चार नंबर फ्री के बताओ क्या मैच करोगे तुम यहाँ पर एस्परजिलस नाइगर ने क्या बनाया सबसे पहला सिट्रिक एसिड ठीक है इसको इससे मैच कर देंगे स्ट्रेप्टोबैक्टर एसीटाइन ने क्या बनाया एसिटिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम बिता, ये बिटाइल है मैं इसने क्या बनाया बिटायरिक एसिड लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा लैक्टिक एसिड तो ये सिंपल सा सवाल आया था बेटा 2020 वन में और भी बारी आया हुआ रुको ये देखो फिर से 2020 2020 में 2021 एक साल पहले 2020

तो ऐसे सिंपल से सवाल बनेंगे जिसको याद है वो झट से विद इन टू सेकेंड्स आंसर ढूंढ लेगा हमने आंसर ढूंढ लिया है अपना इसका दैट इज केमिकल्स वाले पोर्शन का आगे बढ़ते हैं बेटा इंडस्ट्रियल यूजेज में एंजाइम्स बनाते हैं कुछ क्या बनाते हैं एंजाइम्स इसको इधर रख देते हैं यस लेट अस फॉर्म सर्टेन एंजाइम्स हाँ जी सबसे पहले एंजाइम बनाते हैं जो कि दाग अच्छे हैं है यूज होता है क्या है दाग अच्छे हैं पता नहीं सर्फ एक्सल है के, आ, एरियल है मुझे पता नहीं है बट कुछ तो है ठीक है जी कुछ तो है चलो सबसे पहला आपका क्या आता है लाइपेजेस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द एंजाइम जिसके बारे में बात करेंगे लाइपेजेस लाइपेजेस बेटा जी अपन लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट्स में लाइपेज किसको काटेगा लिपिड लिपिड क्या है फैट तो अगर तुम्हारी शर्ट के ऊपर ऑयली सा दाग लग जाए सब्जी गिर जाए या खाने की कोई आइटम गिर जाए तो बेसिकली वो ऑयली तो है अगर वो गिर जाएगी तो लिपिड गिर रहा है लिपिड को काटने के लिए क्या डालोगे लाइपेजेस डालोगे ठीक है? ये लाइपेस कहां से मिलेगा ये लाइपेज ये लाइपेस मेरे को मिलेगा फंजाई से कहां से मिलेगा फंजाई से तो फंजाई जैसे मेरे पास है कैंडेडा ठीक है कैंडेडा फंजाई जियो याद हो तो ठीक है नहीं तो बस ये याद कर लेना लाइपेजस ओके जी डिटर्जेंट्स में हम लोग यूज करते हैं देन आपके पास आता है नेक्स्ट कैटेगरी अमाइलेजेस नंबर टू नंबर टू अमाइलेज ये भी एंजाइम है हमें पता है किसको काटता है शुगर को शुगर को तो इट डिग्रेड स्टार्च लिपिड नहीं डिग्रेड स्टार्च अगर आपने बैक्टीरिया वाला डाइजेशन uh, वाला चैप्टर पढ़ा होता तो आज आपको ये चीजें बड़ी आसान होती

एसपरजिलस राइजोपस ठीक है जी और अगर बैक्टीरिया की बात करें पैसिलस पैसिलस ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट आता है प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस नंबर एंजाइम में आ जाते हैं प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ने वाले एंड पेक्टिनेजेस पेक्टिनेजेस ये किसके लिए काम आते हैं दे आर बेसिकली क्लारीफाइंग एजेंट्स इन जूसेस जो बेटा नकली जूस पीते हो ना आप अब, अब बोलेंगी मैम आप नकली जूस किसको बोलते हो नकली जूस बेटा नकली होता है नकली जूस मैंने क्यों बोला ये जो तुम रियल जूस पी रहे हो आना पी रहे हो they नकली जूस। दे आर नथिंग बट शुगर्स वो जूस नहीं है बेटा जूस के नाम पे कलंक है अगर आपके पास कुछ ना हो ना कुछ भी नेचुरल ना हो तो आप उन जूसेस को कंज्यूम करें एंड इफ यू आर यू नो बहुत दौड़ के आए हैं लैक ऑफ एनर्जी हो रही है एंड बहुत जल्दी ग्लूकोज चाहिए एनर्जी चाहिए तब हम उन जूसेस को यूज कर सकते हैं एमरजेंसी में अदरवाइज दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एनी जूस जूस के नाम पे सच में कलंक है तो so जो बच्चा बोलते हैं ना मैं रोज जूस पीता हूँ और जूस के नाम पे वो रियल जूस और ट्रॉपी लेकर आ रहा है दैट इज नॉट जूस और जूस यू हैव हाँ टू मेक जूस विद रियल फ्रूट्स घर पे बेटा जी एक जूसर या मिक्सी में भी बन जाता है आजकल तो आपको जूस निकालना चाहिए खुद से सारी चीजों का आपको जिसका भी पीना है ऑरेंज का एप्पल का गाजर का हर चीज का निकलता है तो रियल जूस पीने का आइटम नहीं है वो इमरजेंसी आइटम है कि जब कुछ नहीं मिल रहा और बिल्कुल हक्केबक्के होकर गिर रहे हैं तब जाके आप पियेंगे मेहमानों के लिए ठीक लगता है बट अगर मैं मेहमान भी हूं ना तो भी मैं किसी के घर जाके रियल जूस नहीं पीऊंगी बिकॉज आई नो इट इज फिल्ड विद विदर्स एंड ऑफ शुगर एंड वेस्ट चीजें जो हमें नहीं चाहिए ठीक है जी चलो आ जाओ तो प्रोटीन एंड पेक्टिनेज डाले जाते हैं और ये सच्चाई है किसी को बुरी लगे कि मैं रोज पीता हूँ बेटा रोज पीना है ना जूस आप रियल फ्रूट्स का जूस बनाइए नहीं आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको बनाने की तो आप फ्रूट खा लीजिए उस फ्रूट को तो खा ही सकते हैं आपके पास दांत हैं दांतों से खा सकते हैं लेकिन अपने आप को धोखा मत दीजिए कि मैंने जूस जूस पिया पिया आपने जूस नहीं पिया, आपने नहीं सिर्फ शुगर तो आपने देखा होगा कि उन जूसेस में कितनी ज्यादा उसका टेक्सचर आप कभी देखो देूद सो तो प्लेन कोई फाइबर ही नहीं है कुछ मतलब जो एक्चुअल जूस हम बनाते हैं उसको कई बार छानना पड़ जाता है उसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है खैर छानना नहीं चाहिए बट अगर तुम छानोगे तो बहुत सारा आइटम निकलेगा उसको तुम छानोगे कुछ भी नहीं मैंने ये क्लैरिफाइंग एजेंट्स डाले बेटा जिससे वो जूस जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है तो यही है मेरे क्लैरिफाइंग एजेंट्स दैट इज प्रोटीज एंड पेक्टिस याद रहेगा क्या है प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस तो दे आर यूज इन पैक्ड जूसेस पैक्ड जूसेस उसको स्मूद बनाने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्मूद कि इसको छानो के कुछ ना निकलेगा तो ये जो प्रोटीएजेस है ये भी मुझे मिलते हैं फनजाई से फंजाई यानी कि एस्परजिलस से याद हो तो ठीक है और बैसिलस से बैक्टीरिया मेरा बैसिलस है बैक्टीरिया से पैक्टिनेजिस की अगर मैं बात करूं, दे आर ऑप्टेन फ्रॉम फनजाई मोस्टली यहाँ पर जो फंजाई यूज हो रही है दैट इज एस्परजिलस दिख रहा है एस्परजिलस ओके okay. तो ये बात होगी मेरी एंजाइम की अब आते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे जहां से सवाल आने ही आने नंबर कौन सा चल रहा है फोर अब बनाते हैं दवाई दवाई मैंने बनाई कौन सी क्लॉट बस्टर आपको पता है हार्ट अटैक किस वजह से आता है वन ऑफ द रीजन वन ऑफ द रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज कि मेरी जो धमनियां हैं दैट मींस मेरी जो ब्लड वेसल है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे प्लाग ये सब क्या हो चुके हैं डिपॉजिट उन्होंने क्या बना लिया है क्लॉट बना लिया है जिसकी वजह से मेरा ये जो आगे दिल बैठा था ना दिल के इतने से हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कम ऑक्सीजन मिल रहा है अब यार ब्लड को यहाँ से फ्लो करने जाने के लिए यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा रास्ता तो रस्ता क्लियर करने के लिए मेरे को इस क्लॉट को बस्ट करना पड़ेगा एंड क्लॉस्ट को बस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लॉट बस्टर एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉट बस्टर जो मैं आपको वहां बॉडी uh, वाले चैप्टर में भी पढ़ाती हूँ कौन सा है मेरे बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज इज फ्रॉम अ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस याद रहेगा क्लॉट बस्टर चलिए अगला इंपॉर्टेंट आता है नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ दैट इज गोइंग टू बी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जब भी कोई भी पेशेंट कोई भी पेशेंट कोई ऑर्गन लेता है फ्रॉम अ डोनर होता है ना ऑर्गन डोनेशन होती है कई बारी किसी का लिवर अच्छे से काम नहीं करता है किडनी अच्छे से काम नहीं करती है तो उसको डोनर ढूंढते हैं फिर वो देन डोनर से उसको वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं आजकल काफी सक्सेसफुल है ये सर्जरीज तो अगर मान लो मेरे अंदर किसी और की किडनी है तो क्या मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट करेगा नहीं इम्यून सिस्टम तो लड़ाई करते कि ये तो बाहर से आ गए इसको तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा तो कुछ समय के लिए उन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाता है उसको दबाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स क्या यूज करते हैं इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स नाम से क्लियर हो रहा है यहां जो ड्रग यूज़ कर रही कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए क्या यूज कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ऑब्टेन फ्रॉम अ दैट फनजाई इज ट्राइकोडर्मा क्या है मेरी फनजाई का नाम पेंसिल परेशान कर रही है कोई बात नहीं ट्राइकोडर्मा ठीक है

ये जो स्टैट इनका काम क्या है द लोअर लोअर ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बेटा सबको पता है ना कि कल हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड द नया चैप्टर इज नन अदर देन एवोल्यूशन कहानी कहानीदार चैप्टर कल और परसों में इस चैप्टर को क्या कर देंगे अपन लोग निपटा भी देंगे तो इस हफ्ते हमारे दो बड़े चैप्टर और एक छोटे चैप्टर का मैंने टारगेट रखा था एक बड़ा हम कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स एक छोटा आज कर लेंगे और फिर दो दिनों में हम लोग एवोल्यूशन भी निपटा देंगे और संडे को आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट मैकबुक वाला टेस्ट मैकबुक नहीं लैपटॉप है उसमें स्मार्ट uh, वॉचेस है उसमें और सबसे मेन एनालिसिस है आपका वो होने वाला है जिसका लिंक मैंने यहाँ पिन किया क्या नहीं ले? लिंक बताओ क्या सबको लिंक दिख रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है इस पे क्लिक करना नंबर डालना है और एनरोल पे क्लिक कर लेना और संडे को सुबह ग्यारह बजे और शाम को पांच बजे दो मौके मिलेंगे दो में से एक मौके को यूज करना है अगर तुम इस टेस्ट में संडे को एनरोल करोगे तो वो ऑप्शन ही नहीं देता एनरोल का आज ही एनरोल करना पड़ेगा ठीक है जी आज ही एनरोल करना पड़ेगा ये सब बेटा यहाँ पर बातें मत कीजिए कि चॉकलेट खाइए कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि घटेगा बेटा यू आर नो डॉक्टर येट जब डॉक्टर बन जाए ना तब बताइएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है अभी आप यहाँ पर बैठ के नसीहतें मत दीजिए कि ये खा लो कि ये खा लो आप खुद बेटा जी बैलेंस डाइट खा लो पानी सफिशियंट पी लो उतने से बहुत कुछ हो जाएगा तो यहाँ बोलने से बात नहीं होती है ठीक है बेटा आप सिर्फ डांट खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे सिर्फ डांट खाएंगे चलिए तो स्टार्टिंग ड्रग्स बेटा किससे मिलते हैं किससे मिलते हैं फंजाई से एंड मोनास्कस

हम लोग टेली कर लेते हैं सबसे पहली इंडस्ट्री जो हमने पढ़ी है वो है बेवरेजेस की इंडस्ट्री ड्रिंक्स की इंडस्ट्री तो बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल फर्मेंटर्स अब यहाँ पर बेटा एनसीआर में आपको बड़े बड़े वेसल्स भी दिखाए हैं जिनको बोला है फर्मेंटर यानी कि मुझे लार्ज स्केल पर ड्रिंक बनानी है लार्ज स्केल पर एंटीबायोटिक बनानी है तो मुझे ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज करने पड़ेंगे ये देखिए पूरा फर्मेंटेशन प्लांट लगा हुआ है तभी लार्ज स्केल पर बनेगा कितने लोगों की डिमांड होती है फर्मेंटेशन की तो पहले हमने क्या डिस्कस किया फर्मेंटेड बेवरेजेस बेवरेजेस में हमने बात की यीस्ट की तो बेसिकली हम लोग यीस्ट को यूज कर रहे हैं वाइन बियर बिस्की ब्रांडी रम बनाने के लिए और इस यीस्ट का नाम है, है. इसी वजह से सिंस ये ब्रूइंग में यूज हो रही है इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया ब्रूअर्स यीस्ट यही यीस्ट बेकिंग में ब्रेड बनाने में भी यूज हो रही थी तो क्या नाम था बेकर्स यीस्ट ठीक है ब्रेड मेकिंग में भी यूज कर रहे थे ब्रूअर्स यीस्ट एंड फर्मेंट किसको करती है मोल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस को ठीक है ताकि हम क्या बना लें एथेनॉल

एंड वन ऑफ द सिग्निफिक इन ट्वेंटी एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट बायो बायोमीस जिंदगी किसकी जिंदगी के अगेंस्ट अगेंस्ट है अगेंस है being, तो है बैक्टीरिया की जिंदगी के तो हमारे लिए तो जिंदगी के लिए बेस्ट है अच्छी चीज है हमारे लिए प्रो लाइफ है लेकिन बैक्टीरिया को मारते हैं तो उनके लिए एंटी लाइफ हो जाएंगे ठीक है जी देर केमिकल सब्सटांसिस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब देखो जी एंटीबायोटिक बै बैक्टीरिया से भी बन सकता है और फंजाई से भी बन सकता है एंड किल और रिटार्ट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब बनाओ तुम चाहे फंजाई से तुम किसी को भी उससे मार सकते हो यू आर फेमिलियर विद कॉमनली यूज एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलियम क्या आपको पता है कैसे डिस्कवर हुआ हाँ जी पता है आपने अभी अभी पढ़ा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया वो किस पे काम कर रहे थे स्टेफाइलो पे काम कर रहे थे बेटा ये नाम जरूर याद कर लेना किस पे काम कर रहे थे स्टेफाइलो पे कहा जो कि क्या है बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक दिन उन्होंने अनवॉश्ड कल्चर में अनवॉश्ड कल्चर में देखा कि स्टेफाइलो कोकाई ग्रो ही नहीं कर रहे कैसे गायब हो गए बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा उन्होंने पता चला कि भाई ये जो मोल्ड है जो दिखाई दे रहा है उनको अनवॉश कल्चर में उसकी वजह से जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा एंड इट अल्टीमेटली आफ्टर नोटेटम तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसा कौन सा केमिकल है मोल्ड है जिसकी वजह से मेरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा पता लगा पेनिसिलिन है कैसे बना पेनिसिलियम नोटेटम से बना लेकिन इसका फुल पोटेंशियल बेटा जी की एंटीबायोटिक की तरह यूज हो सकता है किसने किया चेन और फ्लोरे दैट इज अर्न चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे वजह से इन तीनों को, इन तीनों तीनों को को बेटा जी नोबेल प्राइज मिला 1945 में एंड इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया वर्ल्ड वॉर टू में सारी इंपॉर्टेंट बातें याद गई दो बारी बता दिए दो बारी बता दिए सब भूलोगे तो नहीं चलिए अब आगे आ जाइए आफ्टर पेनिसलिन जी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दी एंटीबायोटिक्स बहुत सारी होती एरिथ्रोमाइसिन कानामाइसिन ये सब क्या है थैंक्स टू एंटीबायोटिक फिर अपने ने ये भी कर लिया कि हम कौन कौन से एसिड्स बनाते हैं यहाँ से देखो क्वेश्चन आया था एस नाइगर एसिटोबैक्टर एसिटाइड क्लोस्ट्रीडियम बोटालियन एंड लैक्टोबैसिलस चारों के चारों एसिड हो गए ये

बन जाए और यीस्ट मोनास्कस यीरियस जिसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं करता क्या है इनहिबिट द एंजाइम कंपेटिटिवलीस्पोबल फॉर कोलेस्ट्रॉल तो ये सारी बातें भी हमने डिस्कस कर ली क्या मेरे बच्चों बात याद हुई है कि नहीं समझना तो इसमें कुछ खास है नहीं याद हुई है कि नहीं याद हुई है सारी बातें आपको मैंने बता दी ठीक है तो मैं एक बात यहाँ पे लिख भी देती हूँ दे बेसिकली इनहिबिट द एंजाइम विच फॉर्म्स और कौन सी इनहिबिशन कल डिस्कस करी थी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कॉम्पिटिटिवली यानी कि इनकी शक्ल जैसी ही है इनहिबिटर है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है ठीक है जी चलें आगे आगे बढ़े बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे एच टीपी हमने कहां तक कर लिया वी हैड डन ये ये डिस्कस डिस्कस हो हो गया ये भी हो गया भी अब हम एस टी पी बायोगैस और बायो कंट्रोल एजेंट्स पे ठीक है जी मैं आपको इसका सवाल दिखा देती हूँ कैसे सवाल आए हैं ये तो बायोगैस प्लांट पे है और एस टी पी पे है ये देखो 2022 का क्वेश्चन आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन ड्रग साइक्लोस्पोरिन डायरेक्ट सवाल ऐसे ही सवाल आएंगे इस चैप्टर में से

ड्रिंक्स बनती है एल्कोहोलिक ड्रिंक्स drink, बनती है ये नहीं बनता है इट इज एक्चुअली ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी करेंगे 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 ये देखो कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हां जी मैंने दूध से दही बनाई तो दही में क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई डायरेक्ट लाइन ऑफ एन सी टी का सवाल है आप कर चुके हैं क्या चीज ऐड की दही में मैंने आपको अभी सिखाया दैट इज गोइंग टू बी वाइटमिन बी ट्वेल्व ठीक है बी ट्वेल्व हां जी विच ऑफ द फॉलोइंग ये देखो 2017 हजार क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम करेक्ट मैचिंग बतानी है हाँ जी एक मुझे दिख रही है बिल्कुल सीधी दिख रही है बाकी सब गलत दिए हुए से थे आ जाओ बहुत आसान है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम तीन तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं देखिए जो इंडस्ट्री से ज्यादा सीवरेज निकलता है उनको पहले क्या किया जाता था डायरेक्टली रिवर रिवर बॉडीज में बहा दिया जाता था जिससे जो हमारी रिवर्स थी वो पोल्यूट हो रही थी तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उनको डायरेक्ट बहाना अब अलाउड नहीं है पहले वो एस में से गुजरते हुए जाएंगे वहां पर जो फिजिकली जो उसमें डेबरीज है उनको निकाला जाएगा बायोलॉजिकल एजेंट्स की मदद ली जाएगी एंड उसमें से हम लोग सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे एंड जब वो ऑलमोस्ट प्योर हो जाएगा तब हम उसको सेफली रिवर्स में डाल सकते हैं तो एस में बेसिकली कर क्या रहे हैं एस में हम ट्रीटमेंट करते हैं सीवेज का तीन तरीके का ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आएगा बेटा जी प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी और सेकेंडरी है टर्शरी भी कर दोगे तो और बढ़िया। है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम दो चीजें करते हैं सबसे पहले हम लोग करते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज गोइंग टू बी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या मतलब होता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का जो फ्लोटिंग डेबरीज हैं वो उसको क्या कर लेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे सिंपल जैसे मान लो ये मेरा इतना सारा थोड़ा सा ले लेते हैं ये सीवेज है इसमें कुछ तो बड़ा बड़ा दिखेगा मुझे फ्लोट करता हुआ तो फ्लोटिंग डेबरीज दे आर रिमूव्ड तो ये मेरे फ्लोट कर रहे हैं ऊपर फ्लोटिंग डेबरीज को फिल्टर करके रिमूव कर दिया जाता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने जो ऊपर ऊपर तैर रहा था फालतू की चीज उसको रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पर क्या किया सेडिमेंटेशन की प्राइमरी में ही क्या किया अगली चीज सेडिमेंटेशन करा सेडिमेंटेशन में क्या किया इसको सेटल डाउन होने के लिए रहने दिया मान लो ये मेरा बचा हुआ था डेब्रीज को रिमूव करने के बाद मैंने इसको सेटल होने के लिए कुछ देर रख दिया सेडिमेंट का मतलब यही होता है सेटल सेटल होने पे क्या होगा कि जो भारी चीजें होंगी जैसे कुछ पत्थर वगैरह होंगे सॉलिड्स होंगे वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे तो पेबल्स समझना सॉलिड्स भारी चीजें ये होगी सेटल डाउन तो ये अलग हो गई एक तरीके से ये 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 जो जो ऊपर ऊपर बच गया बेटा जी बचा अब इसको इसको अगली treatment में डालेंगे which is the secondary इसको हम लोग बोलते हैं primary effluent. ये नाम अच्छे से याद रखना प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने ये जो ऊपर बच गया जिसको मैं सेकेंडरी में लेकर जाऊंगी दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट इस प्राइमरी एफ्लुएंट को लेकर जाएंगे इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग किस में लेकर जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेकर जाएंगे तो प्राइमरी समझ आ गई दो चीजें करनी है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिसमें फ्लोटिंग फ्लोटिंग वाला हटा देना है और फिर सेडिमेंट करके भारी चीजें पत्थर सेटल डाउन कर देने एंड ऊपर से अपने ने क्या निकाल लेना है प्राइमरी एफ्लुएंट तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एंट्री किसकी होती है प्राइमरी एफ्लुएंट की होती है तो चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर ठीक है ये टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखना सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग माइक्रोब्स की मदद से कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये फिजिकल नहीं है ये बायोलॉजिकल है देखो ये तो फिजिकल ट्रीटमेंट था एक तरीके से ये तो, तो फिजिकल है इसमें कोई ऑर्गेनिज्म किया मैंने यहां पर लेकिन मैं ऑर्गेनिज्म को यूज करूंगी तो मैं क्या लेकर आई एक टैंक लेके आई इस टैंक का मैंने नाम रख दिया एरिएशन टैंक क्या नाम रख दिया एरिएशन टैंक ले आए तुम कहते हो तो ले आएंगे मना कर तो नहीं भी लाएंगे ठीक है इस इरिएशन टैंक में बताओ मैंने क्या डाला प्राइमरी एफ्लुएंट किस रंग से बनाया था ग्रीन कलर से तो मैं डाल देती हूँ प्राइमरी एफ्लुएंट लाना ही पड़ेगा बेटा तुम कहो चाहे ना कहो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है इसमें मैंने क्या डाल दिए इसमें मैंने डाल दिए लार्ज मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बड़े बड़े बेटा जी गुच्छे डाल दिए ये देखिए एरोबिक बैक्टीरिया के जो इस अब प्राइमरी एफ्लुएंट पर फीड करेंगे

मैंने यहाँ पर क्या डाल दी बेटा जी फंगल फिलामेंट्स डाल दी ठीक है अब ये क्या करेंगे इसके अंदर इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं उसको खा लेंगे एरोबिक है हेटरोट्रोफिक है ना तो दे आर गोइंग टू कंज्यूम द एरोबिक इंप्योरिटीज फ्रॉम दिस प्राइमरी एफ्लुएंट सो दे विल कंज्यूम कंज्यूम एरोबिक ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड ये पानी का या प्राइमरी एफ्लुएंट का ऑक्सीजन की डिमांड को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं अब यह कॉन्सेप्ट आ रहा है इम्प्योरिटी कम करी एंड देन दे हैव रिड्यूस्ड द बी ओ डी ऑफ दिस वॉटर बॉडी या एफ्लुएंट बॉडी वॉट इज बी ओडी बी ओडीज बायो केमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बीओडी यहां लिख दू एनवायरमेंटल पोल्यूशन में था जो आखिरी चैप्टर है कक्षा बारहवीं का उसमें डिटेल में था वहां ग्राफ वगैरह भी बना हुआ था बट चैप्टर को काट दिया गया है जितना रिक्वायर्ड है उसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बायोलॉजिकल लिख लो या बायोकेमिकल लिख लो मैं बड़े माइक्रोब्स के द्वारा यानी कि अगर एक वाटर बॉडी के अंदर ये माइक्रोब्स बैठे हैं अगर उस वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होगा तो भाई ये लोग इसको खाना चाहेंगे क्योंकि ये एरोबिक है और हेटरोट्रॉफिक है इनको तो खाना मिल गया लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्पीशी कोई भी बैक्टीरिया खाने को खाएगा तो ऑक्सीजन भी तो यूज करेगा यानी कि यानी कि जब भी इंप्योरिटी पानी में ज्यादा होती है उस समय पर माइक्रोब्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत तेजी से खाना खाना शुरू कर देते हैं अब बेटा आप तुम लोग बहुत तेजी से खाना खाना शुरू कर दो तो तुम्हारा दिल नाक सब लोग तेजी से काम करेंगे ना उस समय

यानी कि जब भी इंप्योरिटी ज्यादा होती है किसी भी वॉटर बॉडी में उसकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और खाने को खत्म करने की कोशिश करते हैं अब मैं यहां पर बोल रही हूं कि मैंने इंप्योरिटी कम कर दी इंप्योरिटी कम कर दी ना कंज्यूम कर ली इंप्योरिटी तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की क्या हो जाएगी वॉटर बॉडी की क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि खाना तो खा गए खाना खा गए अब रेस्ट कर रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं तो भैया बेट, बेटा आप क्या ऑक्सीजन यूज करेंगे ठीक है जी तो समझ आ गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है बेसिकली दिस इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लिख रहे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोब लिखू के एनरोबिक लिखूं भाई अगर कोई एनोरोबिक होगा तो ऑक्सीजन क्यों यूज करेगा एरोबिक ही लिखेंगे ना एरोबिक माइक्रोब माइक्रोब टू रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रिमूव ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वन लीटर ऑफ वाटर ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है फ्रॉम वन लीटर ऑफ पानी इसको बोलते हैं बी ओ डी अब मैंने तुम्हें समझा दिया है तो मुझे बताओ जरा अगर वाटर पॉल्यूटेड है पोल्यूटेड पानी है तो बी ज्यादा होगा कि कम होगा बताओ पोल्यूटेड पानी यानी कि खाना बहुत सारा है खाना बहुत सारा तो पागल हो जाएंगे बैक्टीरिया पागल होकर खाना शुरू कर देंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे और ऑक्सीजन को भी फिर कंज्यूम करेंगे यानी कि उस समय पर इनकी माइक्रोब्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी अगर इन्होंने ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो पानी के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा डीओ माने डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है अगर वाटर बॉडी क्लीन है क्लीन वाटर कर लेते हैं क्लीन वाटर में बेटा जी खाना है ही नहीं खाना है ही नहीं तो बैक्टीरिया सो रहे हैं उनको ना ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए खाना तो वैसे ही नहीं है तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकती हूँ कि मेरा जो बीओडी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ पानी ठीक है मेरे बच्चों प्योरिटी ऑफ पानी क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई ठीक है तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको बताया है रिगार्डिंग बीओडी तभी आप ये लाइन समझ पाते कि इंप्योरिटी कंज्यूम करने से जो फ्लॉक्स ने इम्प्यूरिटी को कंज्यूम किया उससे बीओडी कम हुआ या ज्यादा हुआ तो बीओडी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि प्योरिटी जो है वो बढ़ गई पानी की प्योरिटी जो है वो बढ़ गई पानी की ठीक है जी यस पता चल गया इज दिस क्लियर हाँ जी अब ये खा रहे हैं खाने के बाद क्या होगा अल्टीमेटली ये जो फ्लॉक्स हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम और ऊपर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा सेकेंडरी एफ्लुएंट बच जाएगा ऊपर मेरे पास क्या बच गया सेकेंडरी एफ्लुएंट आ गया क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे बन रहा है दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी एफ्लुएंट एंड नीचे मेरे सेटल डाउन हो गए फ्लॉक्स ठीक है So this is secondary effluent. और नीचे मेरे को क्या दिख रहे हैं सेटल डाउन फ्लॉक्स दिख रहे हैं ठीक है बेटा जी इसको एज एक्टिवेटेड स्लज क्या मतलब है सम पार्ट ऑफ इट इज यूज एज इनोक्युलम यानी कि किसी और टैंक में किसी और एरिएशन टैंक में जब मुझे फ्लॉक डालना हुआ तो मैं इसी को यूज करूंगी एज इनोक्युल एंड बेटा जी बाकियों को भेज दिया जाता है एन एरोबिक एरोबिक एन एरोबिक नहीं है स्लज डाइजेस्टर एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है जिसके पास क्या प्रस्तुत होते हैं मिथेनोजन्स क्या प्रेजेंट होते हैं मिथानोजन्स ये मिथानोजन्स क्या करेंगे अल्टीमेटली यहाँ से बायोगैस बना देंगे क्या बना देंगे यहाँ से बायोगैस बना देंगे ओके अभी अगले में हम बायोगैस प्लांट भी करने वाले हैं तो हम यहाँ पर बायोगैस बना लेंगे यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया है तो यहां पर एस टीपी का डुअल काम हो गया है तुम देख रहे हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज तो ट्रीट हो ही रहा है साथ ही में हम क्या कर रहे हैं बायोगैस भी बना रहे हैं मिथेनोजन्स की मदद से वो जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है ये लोग स्लज पे काम करते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पे और अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं आपका बायोगैस बना लेते हैं अब ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है या तो इसको तुम वाटर बॉडी में डाल दो वाटर बॉडी में आप डाल दो रिवर में डाल दो ठीक है या फिर या फिर अगर आप इसको ह्यूमन के लिए पानी की तरह कंज्यूम करना चाहते हो इफ यू वॉन्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पन तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पी सकते तो बेटा जी आपको इसका अगला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी टर्सरी ट्रीटमेंट ह्यूमन नहीं यूज कर सकते सेकेंडरी एफ्लुएंट को पानी में तो बहा सकते हो चल जाएगा वाटर बॉडी को नुकसान नहीं होगा लेकिन अपने को नुकसान बहुत हो सकता है तब इसका बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है दैट इज दिख रहा है ट्रीटमेंट इसमें बहुत सारे केमिकल्स को यूज करेंगे हम जिरकोनियम आइन्स को यूज करेंगे परकोलेट आइन्स को यूज करेंगे आरो मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करेंगे यूवी रेस को यूज करेंगे ठीक है जी तो ये मेरा हो जाएगा एस जिससे मैंने दो काम किए सीवेज को तो क्या किया सीवेज को तो बेटा जी क्या किया ट्रीट किया ही किया साथ ही मैंने क्या बना ली बायोगैस बना ली इज दिस क्लियर क्या एस टी हो गया सब बच्चों को बताना इज एस टीपी क्लियर और नॉट बताओ बताओ मेरे बच्चों फटाफट से यहां से बता देती हूँ ये फोटो भी बनी हुई है एस टीपी की ओके सो मेजर कॉम्पोनेट ऑफ द वेस्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा म्यूनिस्पल वेस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं सीवेज बोलते हैं

कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एयर को डाला जाता है एयर डालेंगे तभी तो माइक्रोब्स जो कि एरोबिक हैं वो जिंदा रहेंगे ये जो माइक्रोब्स हैं इनको फ्लॉक्स बोलोगे इसमें फंजाई भी है और बैक्टीरिया भी है ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे कर लिया ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे तो बीओडी क्या हो जाएगी कम तो हो जाएगी फिर बीओडी के बारे में बताया कि बीओडी क्या होता है ट्रीटमेंट को तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक बीओडी अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ ऑफ अपटेक ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मैंने आपको बता दिया जितना ज्यादा बीओडी होगा वेस्ट वाटर का उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल है क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है मतलब उतना ज्यादा गंदगी पड़ी है उनके खाने के लिए जितनी ज्यादा इंप्योरिटी उतना बैक्टीरिया पागल होकर उसको खाएंगे और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो मोर द बीओडी

है ना इस सेडिमेंट को फ्लक्स के सेडिमेंट को हमने बोला एक्टिवेटेड स्लज ये सब मैंने आपको बनाकर दिखाया है इट रिमेनिंग पार्ट इज एन टू एन अरबिक स्लज डाइजेस्टर जहां पर हम लोग मिथेनोज की मदद से बायोगैस बना लेंगे इस बायोगैस में क्या क्या चीजें हैं मीथेन है एच टूएस है और सीओ टू है ठीक है जी जिसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द वॉटर और हम इसको ह्यूमन कंजम्पशन करना है तो हमें टर्सरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ये तुम देख सकते हो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है एंड ये पूरा एरियल व्यू है एस टीपी का और ये ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें चांस मिले तो एस टीपी होके आना स्कूल वाले कई बार पिकनिक पे लेके जाते हैं लेके जाते हैं ना पिकनिक पे यस चलो पता नहीं मेरे को तो नहीं लेके नहीं हमें नहीं लेके गए थे हमें एक ही जगह पिकनिक पे लेके जाते थे साइंस सिटी देर इज नो अदर पिकनिक स्पॉट उस टाइम की बात कर रही हूँ नहीं लेके जाते थे हो सकता है आपके स्कूल वाले अच्छे हों <coughs> वो एनसीआर टी के कहने पर एस टी लेके गए हो लेके गए थे एम्यूजमेंट yes. पार्क भी लेके जाते हैं दैट इज गुड बट नॉट नॉलेजेबल है ना यहां लिखा हुआ है बेटा इसने कि आप लोग लेके जाइए स्कूल वालों को लिखा हुआ है ठीक है हाँ जी तो वो कह रहे हैं कि इसमें देखो माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं अपन लोग एंड टिल नाउ ऐसी कोई मैनमेड टेक्नोलॉजी नहीं आई जो माइक्रोब्स को, को राइवेलरी दे पाए रायरी दे पाए ओके तो और क्या कह रहे हैं हमारी नदियों को साफ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान दैट इज गैप यमुना एक्शन प्लान दैट इज गैप इंट्रोड्यूस किया है टू सेव मेजर रिवर्स फ्रॉम पोल्यूशन ठीक है जी इस प्लान में क्या है बहुत बड़े बड़े एस टी पी बनाएंगे ताकि बेटा जी गंगा में यमुना में सिर्फ ट्रीटेड वेस्ट ही जाए ये लिखा हुआ बेटा एनसीआर ने रिक्वेस्ट की थी हर स्कूल को विजिट टू सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस अब आपके स्कूल ने एजुकेट नहीं अच्छे से किया नहीं लेके गए मेरे भी ने, मेरे ने भी नहीं किया ये हमारे टाइम पे भी था लेकिन हमारा स्कूल भी नहीं लेके गया तुम्हारा भी नहीं लेके गया चलो जी छुट्टी ठीक है जी क्या कर सकते हैं हम नहीं लेके गए तो यहीं से बैठ के पढ़ लेंगे यहीं से बैठ के पढ़ लेंगे चलिए अब क्या बचा है मेरा बायोगैस प्लांट बायो फर्टिलाइजर एज वेल एज द लास्ट पोर्शन जिसका नाम है बायो कंट्रोल एजेंट्स में ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट्स में रेडी टू तो डू दिस रेडी मेरे बच्चों चलिए खत्म करते हैं बायोगैस क्या होती है बायोगैस मैं आपको लिखवा देती हूँ सो मूविंग टू दिस एंड एस टीपीज नाउ क्लियर प्राइमरी एफ्लुएंट क्लियर है टैंक्स क्लियर है दोबारा एक बार देख लो फिजिकल में सिर्फ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन जो ऊपर बच गया वो प्राइमरी एफ्लुएंट जो नीचे बच गया वो प्राइमरी स्लज नीचे वाला हमेशा स्लज होता है प्राइमरी एफ्लुएंट को टैंक में हवा डाली फ्लॉक्स डाले जिससे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके बीओडी को कम किया बीओडी कम हो गई तो ऊपर का जो मसाला था उसको बोलते सेकेंडरी एफ्लुएंट अब उस सारे को विद फ्लॉक्स ले गए सेटलिंग टैंक में फ्लॉक नीचे बैठ गए सेकेंडरी एफ्लुएंट ऊपर आ गया सेकेंडरी एफ्लुएंट को ले जाओ रिवर में अगर तुम्हें बहाना है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए करना है तो टर्शी ट्रीटमेंट नीचे बच गया मेरा एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स बैठ गए Activated sludge को ले गए में. में या तो यूज कर लोगे आधा में, जो कि की तरह होगा या फिर anaerobic sludge में एनअिकोज की मदद से क्या बना ली हमने बायो गैस बायो में क्या क्या चीजें बोली सीओ टू सी एच फोर एच टू एस एच टू एस रेडी चलिए तो बना लेते हैं बायोगैस प्लांट ये मैं यहीं से दिखाती हूँ जाओ तो बायोगैस क्या है ये यही से पढ़ते हैं इससे अगले वाला लिखवाऊंगी इतना हम यहाँ से पढ़ेंगे बायोगैस वाला इट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें प्रिडोमेंटली क्या प्रेजेंट है मेरे साथ साथ लर्न करो प्रिडोमेंटली क्या प्रेजेंट है मीथेन ये पता भी है प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल आज के टाइम पे बहुत सारे बायोगैस प्लांट गांव वगैरह में लगते हैं वहां उसको हम रिप्लेसमेंट यूज करते हैं अपने फ्यूल्स का यू हैव लर्न माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एंड 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 प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ मेटाबॉलिज्म दिस टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द द माइक्रोब ऑर्गेनिक दे यूटिलाइज अब माइक्रोव बहुत सारी गैस बनाते हैं वो कह रहे हैं लेकिन जिस टाइप की गैस बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं इन एक्साम्पल साइटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो चीज मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस पहले बड़ा ना जो मेजर गैस बनी वो कौन सी सीओ टू बनी, CO2 बनी.

माइक्रोब किस तरीके की गैस बनाएगा ये चीज डिपेंड करती है कि वो कैसा सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है अभी तक जो गैस बनती आ रही है हम देख रहे थे बेकिंग इंडस्ट्री में और दूसरी डो मेकिंग इंडस्ट्री में वो सीओ टू बन रही थी लेकिन ये कह रहे हैं अगर सबस्ट्रेट के तौर पर तुम एन एरोबिकली एन एरोबिक एरोबिकली तुम सेल्यूलोसिक प्लेट्स पर सेल्यूलोसिक प्लेट्स पर यूज करोगे तो ये सी एच फोर

यही बैक्टीरिया मौजूद हैं मिथेनोजेंस ठीक है जी यही बैक्टीरिया मौजूद हैं मिथेनोजेंस दीज बैक्टीरिया और आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ द कैटल र्यूमेन क्या है काउ बफेलो की स्टमक का एक पार्ट है र्यूमेन रेटिकुलम ओबेसम एबोमेसम ये चार पार्ट्स होते हैं बेटा उसकी स्टमक में डाइजेशन में पढ़ाते हैं हम र्यूमिनेंट्स के बारे में तो ये बैक्टीरिया मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे बताओ ये बैक्टीरिया मुझे कहां कहां मिलेंगे बैक्टीरिया का नाम लिख दिया मीथेनोजन पहला इसने बताया कि ये बैक्टीरिया मुझे मिलेंगे एन एरोबिक एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो कि एस का पार्ट है हमने पढ़ लिया दूसरा बेटा जी ये बैक्टीरिया मुझे कहां मिलेंगे रूमिन में रूमिन ऑफ द कैटल में ठीक है आगे क्या कह रहा है अ लॉट ऑफ सेल्यूसिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल अपनेलोज चाहिए तो उसके फूड में देखो र्यूमन क्या कैटल uh, क्या खाती है तो बेसिकली अगर घास खा रहे, हैं, खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं तो वो सेलोज खा ही रहे प्लांट सेल सेल वॉल सेलोज सेलोस खाया उन्होंने ठीक है र्यूमन में दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलोस आपको पता है कैटल के अंदर एंजाइम बनता है सेल्युलेस जिससे वो उसका सेल्युलोज तोड़ सकते हैं

कैन बी यूज इन जनरेशन ऑफ तो भाई ये जो र्यूमन में र्यूमन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके डंग से डंग माने गोबर और इससे बनेगी मेरी गोबर गैस यानी कि बायोगैस यहां तक की कहानी क्लियर यहाँ तक की कहानी क्लियर रीड भी कर दिया यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इसको लिख भी दिया ठीक है भी कर दिया और शॉर्ट में लिख भी दिया तुम्हें अगर पूछे कौन सा प्लांट कैसा दिखता है बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक अभी अगले पे जो फोटो भी बनी हुई है दस से बीस पंद्रह फीट डीप का टैंक है विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड द स्लरी ऑफ तो जितना भी बायो वेस्ट व्हाट इज बायो वेस्ट घर गृहस्थी से निकलने वाला प्लांट वेस्ट प्लांट वेस्ट जैसे जो हम सब्जियां छिलते हैं तो उसके छिलके बचा हुआ खाना ये सब क्या है बायो वेस्ट तो हमने उस पंद्रह फीट गहरे गड्ढे में क्या डाल दिया सारा घर का वेस्ट डाल दिया सब्जी वब्जी डाल दी जो बची हुई है एंड छिलके वगैरह डाल दिए और गोबर डाल दिया गोबर में क्या है मिथेनोजन ठीक है स्लरी ऑफ गोबर पहले गोबर की थोड़ी सी पेस्ट वेस्ट बनाई और उसको उसमें डाल दिया अब फ्लोटिंग कवर ये देखो

स्लरी को रिमूव करने के लिए एक डिफरेंट आउटलेट निकाल दिया कि जो गोबर अब यूज नहीं हो रहा उसको बेटा जी बाहर निकाल लेंगे एंड मे बी एज फर्टिलाइजर तो जिस जितनी तो गैस बनती जा रही है ठीक है जो बच गया उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी मैंने बोला ना बायोगैस प्लांट गांव में लगता है वाई गांव क्योंकि गांव में आपको गोबर जो है जो डंग है वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा क्योंकि वहां गाय ये सब ज्यादा होती हैं ठीक है जी सो so, बायोगैस प्लांट आपको रूरल बायोगैस uh, बायो अब, अब तक बेटा बायोगैस क्लियर हो गया पहले पैराग्राफ में उसने ये सब कहानी बताई अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि मैंने 10 से 15 फीट डीप एक गड्ढा लिया इस गड्ढे मैंने क्या डाल दिया वेस्ट बायो वेस्ट बायो वेस्ट डाली प्लस यहाँ पर क्या डाल दिया डंग डाल दिया डंग में क्या प्रस्तुत है ये ये देखो डंग के अंदर मेरे पास है है ये क्या बनाते है? बनाते हैं हैं बायोगैस और इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया लेकिन ये ढक्कन फ्लोटिंग है फ्लोटिंग माने जब यहाँ पर गैस बनेगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो मुझे पता चलेगा गैस बनेगी यहां से तो मैंने एक आउटलेट रखा जिससे हम होम्स में बायोगैस को सप्लाई करते हैं

इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्हीं की वजह से आज हमें बायोगैस की इतनी जानकारी पता है एंड के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कमीशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री याद रहेगा ये कह रहे हैं स्कूल को कि पिकनिक पे लेके जाना है तो एक बायोगैस प्लांट दिखा लाओ लेकिन मेरे स्कूल ने ये भी नहीं दिखाया तुम्हारे ने भी नहीं दिखाया होगा मेरे को पक्का है कि तुम्हारे स्कूल ने भी नहीं दिखाया होगा कि दिखाया था बट एशन लाइक नहीं हुआ छोड़ूंगी नहीं मैं फटाफट से बता दो सेशन लाइक like नहीं हुआ, यस, yes. ले गए थे बेटा मैंने पी क्यूज कल के आपको टेलीग्राम पे भेज दिए कल जो के बायोमोलिक्यूल थे भेज दिए आज इसके भेज दूंगी कोई दिक्कत नहीं मैंने रख के क्या करने मैंने थोड़ा पीवाईक्यू क्यू करने तुम्हें करने ठीक है जी तुमको करने है तुमको करने है ओके जी तुमको करने, तुमको करने।, तुमको करने।, तुमको करने। तो मैं भेज दूंगी ये जो पीछे वैसे अटैच्ड है फाइल के साथ बट मैं उसको अलग फाइल बना के अलग पीडीएफ बना के भेज दे भेज दूंगी आपको तो दिस इज द टिपिकल बायो गैस प्लांट चलिए अगला टॉपिक करते हैं बायो गैस प्लांट इज नाउ डन आपको पता होना चाहिए कि बायो गैस में क्या-क्या चीजें मौजूद हैं बायो में मेन गैसेस बायो में मेन गैसेस CH4 देन यू हैव H2S देन यू हैव CO2 देन यू हैव

जी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट किसको कैसे कैसे यूज कर रहे हैं तो बता दू कैसे कैसे यूज कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं मॉस्किटो का यूज कर रहे हैं मॉस्किटो का मॉस्किटो को यूज किया जाता है टू कंट्रोल यस मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है वी यूज ड्रैगन फ्लाईज सो मॉस्कीटोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजेज ऑफ ड्रैगन फ्लाईज ठीक है जी नेक्स्ट आता है एफिड्स को कंट्रोल करना है नंबर टू पे एफिड्स को कंट्रोल करना है तो बायोलॉजिकल एजेंट यूज करेंगे देखो करने को मैं इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकती हूँ बट आई एम नॉट स्प्रेइंग इट क्योंकि मुझे बायोलॉजिकल एजेंट यूज करना है तो ड्रैगन फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए मैंने यूज किया ड्रैगन फ्लाई अब एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए भी एज इट इज ही याद करना है इसमें कुछ नहीं है वी आर यूजिंग लेडी बर्ड्स लेडी बर्ड ठीक है जो कि क्या है बीटल ठीक नेक्स्ट बेटा जी आप कंट्रोल करो किसको कंट्रोल करोगे मॉस्किटो को कंट्रोल किया एफिड को कंट्रोल किया एंड देन वी आर गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू सेव प्लांट फ्रॉम द पैथोजन विद द हेल्प ऑफ फंजाई एंड द इज़ ट्राइकोडर्मा ठीक है। मा ठीक है अपन लोग प्लांट को बचा रहे हैं पैथोजन से विद हेल्प ऑफ फन जाय याद रहेगा याद रहेगा देन बेटा जी बीटी को यूज कर रहे हैं को यूज कर रहे हैं टू तो सेव बटरफ्लाई कैटरपिलर

क्या बोलते हैं वैक्यूलो वायरस ये जो वैक्यूलो वायरस है दिस इज एक्चुअली एनपीवी ये क्या है न्यूक्लियो पोली हीड्रो वायरस न्यूक्लियो पोली हीड्रो ठीक है वायरस इनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही नैरो है मतलब ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारेगा बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रही हूं दैट दे हैव गॉट नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड नहीं लिख के आना है नैरो स्पेक्ट्रम And they're highly species specific. Species specific. उसी को मारेंगे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे स्पेक्ट्रम याद करो नैरो इंसेक्ट को मारेंगे किसी और स्पीशीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये हो गया मेरा बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है बायो कंट्रोल एजेंट ये मैंने आपको सारा बता दिया वैसे यस बायो कंट्रोल एजेंट में

मिलाकर स्प्रे किया जाता है वलनरेबल प्लांट पे तो जहां पे बटरफ्लाई कैटरपिलर का खतरा है वहां पर बीटी को क्या कर दो स्प्रे कर दो जैसे कि पे पे और फ्रूट ट्रीज ये मैंने बता दिया वेयर देयर आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वे हमने बीटी का की बायोटेक में पढ़ा हुआ है कि इंसेक्ट की बॉडी में जाकर उसकी गट में जाकर एक्टिव हो जाता है इसका टॉक्सिन क्योंकि एल्कोलाइन पीएच मिलता है और जो लार्वा है वो किल हो जाता है तो यहाँ पर कैटरपिलर तो मर रहा है लेकिन बाकी के जो इंसेक्ट है वो अनहार्म है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज करते हैं हमें पता है हमने बी टी कॉटन बनाया है इसी तरीके से ये हम बायोटेक में पढ़ते हैं देन अनदर बायो कंट्रोल एजेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड दैट इज फंगस प्लांट की पैथोजन प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम फंजा यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा दे आर फ्री लिविंग स्पीशीज एंड वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा जी ट्राइकोडर्मा है कहाँ लिखा था ट्राइकोडर्मा दिस इज फ्री लिविंग और आपको प्लांट के किस में मिलेगा में में रूट ठीक है जी नेक्स्ट वैक्यूलो वायरस वैक्यूलो वायरस बेटा जी दे विल अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोर्ट्स ठीक है एंड दे आर फ्रॉम द जीनस न्यूक्लोपॉलीहेड्रोवायरस एनपीवी

एंड इन एन ओवरऑल आईपीएम आएगा जब आई पी एम कर रहे हैं इंटीग्रेटेडमेंट कर रहे हैं जब हम सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे हैं तो किसको यूज करेंगे ड्रैगन फ्लाईस को बीटल्स को बैक्यूलो वायरस को बीटी को किसको यूज करेंगे तो तुम बोलोगे बैक्यूलो वायरस को यूज करेंगे जब बड़े एरिया को ट्रीट किया जाता है सेंसिटिव माने जिसमें हमें बस एक को मारना है बाकी सबको बचाना है तो जब सबको बचाना है एक को मारना है तो स्पीशी स्पेसिफिक को यूज करेंगे दैट इज वायरस तो याद रहेगा तो आईपीएम में इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में किसको यूज करोगे वायरस को यूज करोगे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कौन सा एजेंट यूज करोगे वैक्यूलो वायरस यूज करोगे इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर बताना क्या ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं तो ये बात हो गई बायो कंट्रोल एजेंट की ओके okay? लास्ट बचा है हमारा यूज ऑफ माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर देखो ये हो गया ये हो गया ये हो गया एंड अब हम बायो फर्टिलाइजर करने वाले हैं, कर ले कर लें मेरे बच्चों ये बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है तुम समझ जाओगे बायो फर्टिलाइजर इतना सा पोर्शन रह गया है तो राइट इट पूरा टेबल बना लेते हैं एंड देन इस टेबल को वहां से हम पढ़ लेंगे इसमें अब याद करने वाला है काफी चीजें याद करने वाली हैं, बट कोई बात नहीं कोशिश करेंगे आज ही इसको याद करने की हम लोग तो मूविंग ऑन टू सेशन को लाइक कर दीजिए कल एवोल्यूशन करेंगे एंड यहाँ पर पिन किया हुआ है स्कॉलरशिप टेस्ट जिसके द्वारा आपकी आपको बहुत सारे प्राइजेस मिलने हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हजारों लाखों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं तो आपको अपना पोजीशनिंग पता चलेगा पहले एक बारी जनवरी में हुआ था बहुत बच्चे नहीं दे पाए थे उनका छूट गया था तो ऑन रिक्वेस्ट मैंने इस टेस्ट को दोबारा कंडक्ट कराया है इस संडे तो कोई भी मिस नहीं कर सकता ये लिंक दिया हुआ एनरोल कर लेना कल के बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएंगी तो एनरोल इस इसपे टाइमली कर लीजिएगा ठीक है जी यस क्या मैम बस ये टिपिकल लगता है क्या टिपिकल लगता है क्रॉप रोटेशन कहाँ दिए है, है? है? क्रॉप रोटेशन बेटा जी एट क्लास में थी बाकी मैं बता देती Coil की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम जनरली जब कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके बाद एक लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं ताकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट जो सॉइल हो गई है वो बेटा जी नाइट्रोजन कंटेंट उसमें दोबारा आ जाए ठीक है जी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन आपको क्यों टेंशन है कह रहे कल एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा नहीं बेटा जब मैंने बोला दो दिन तो मतलब दो दिन पार्ट वन पार्ट टू में आएगा कल कैसे खत्म हो जाएगा इट्स अ बिग चैप्टर ठीक है ये कौन है जो सोते हुए आ रहे हैं श्री राम सर श्री राम सीनियर Could you please explain microbes that are used for commercial purposes? Already बेटा जी explained. Industries में जो use कर रहे हैं basically वो commercial ही तो है और क्या है है ना जी शुरू से आना था घंटा हो गया क्लास को शुरू हुए लेकिन आप नहीं आए कोई बात नहीं सोते रहिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे ठीक है जी हाँ जी बड़े आगे बेटा आज नहीं पढ़ूंगी मैं आज मैं कोई शायरी नहीं पढ़ूंगी ना बायो फर्टिलाइजर सो वट आर बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इज समथिंग जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है जनरली हम फर्टिलाइजर केमिकल के फॉर्म में मिलते हैं एनपी के मार्केट में मिलते हैं बट उससे मेरी सॉइल पॉल्यूट भी होती है तो इसलिए मैं क्या यूज करना चाहती हूँ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कोई ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दे जिससे मेरी सॉइल भी फर्टिलाइज हो जाए साथ साथ में तो बायो फर्टिलाइजर में, होते हैं, तो बारे में बात करेंगे. यूज करते हैं बीजीए का क्या मतलब होता है साइनो बैक्टीरिया यूज होती है साइनो बैक्टीरिया यूज होती है तो बैक्टीरिया फनजाई साइनो बैक्टीरिया ठीक है जी सबसे पहले आ जाते हैं अपने लोग बैक्टीरिया पे यहां पर मेरे पास सिम्बायोटिक भी है और फ्री लिविंग भी है मेरे पास बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक समझते हो ना सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक भी है और फ्री लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वी याद करना है राइजोबियम एंड फ्रेंकिया अपनी मर्जी से नहीं लिखवा रही हूं दिया हुआ है राइजोबियम एंड

एजोट्रॉफ्स, दैट इज एजोटोबैक्टर एजोटोबैक्टर याद करना है बिल्कुल दिया हुआ है एजोस्पायर दिया हुआ है एजोस्पायर एजोटोबैक्टर एजोस्पायरलम बाइजरिंकिया ठीक है जी यस yes. तो ये बात होगी मेरे बैक्टीरिया में एरोबिक फ्री लिविंग की देन हम आ जाते हैं एनअरॉबिक में आपके पास आ जाएगा ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में करोगे तभी याद रहेगा फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ऐसे लाइनें पढ़ते रह जाओगे कभी याद नहीं रहेंगे बैसिलस बैसिलस ठीक है Bacillus. तो ये मेरी बात बायो फर्टिलाइजर जिसमें मैंने हमने सिर्फ बात की है बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक एज वेल एज फ्री लिविंग नाम ही याद करने हैं देन अपने लोग बात करते हैं फंजाई की फंजाई को एज अ बायो फर्टिलाइजर हम कब यूज, यूज करते हैं फंजाई को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं रूट हायर प्लांट जिसको हम लोग ने सीखा थाल क्लासिफिकेशन में माइकोराइजा याद आयान पंजाई प्लस प्लांट रूट ऑफ हायर प्लांट दैट इज माइकोराइजा दो तरीके का माइकोराइजा होता है वहां पर भी किया था एक बार थोड़ा सा रेपिटेशन कर रही हूँ उस वाले चैप्टर का क्योंकि इंपॉर्टेंट है वहां पर भी एक्टो माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा दिख रहा है एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा ठीक है ये जो मेरा एक्टो एक्टो माने जो हाइफे हैं फनजाई के दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट और एंडो इन साइड वो कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट में घुसे हुए हैं ठीक है सर्फेस पे नहीं है कॉर्टिकल सेल्स में घुसे हुए हैं हाँ जी एक्टोमाइकोराइजा में आपके पास आ जाएगा फंजाए और प्लांट दोनों का नाम लिखूंगी यहां पर भी लिखूंगी फंजाए और प्लांट

बोलेटस एंड ग्लोमस ऑर्किड्स ठीक है जी चलो ये बात मेरी किसकी हो गई फंजाई की हो गई अब इसके बाद और किस बायो बायोफर्टिलाइजर को यूज करते हैं साइनो बैक्टीरिया क्या आ रहा है सियानो बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया क्या होते हैं साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं बीजीएस ब्लू ग्रीन एलगी ठीक है जी यस yes? तो यहां पर मेरे पास फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक एक कैटेगरी डाल रही हूँ सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स मेरे पास होते हैं ठीक है जी फ्री लिविंग नाइट्रोजन मेरे पास होते हैं कौन कौन से आ जाएंगे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखू एग्जाम्पल के तौर पे देखू तो आई हैव नॉस्टॉक एना बना ना बेना एंड बेटा जी कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स मुझे बीजीएस की फॉर्म में जैसे मैं बीजीए का नाम लिख रही हूँ एनसीआरटी में दिया हुआ तो ये सबको अंडरलाइन कर लेना ठीक है ये मत कहना मैम आपने नौ, बायोलॉजिकल फॉलो नहीं किया अंडरलाइन नहीं किया ऑलोसिरा तो टोलिपोथ्रिक्स बेटा जी इनको यूज किया जाता है दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की तरह यूज किया जाता है इन पैडी फील्ड्स पैडी माने चावल पैडी फील्ड्स ये याद रखना है पैडी फील्ड्स में बेटा जी यूज किया जाता है तो यहां पर जब हम पूरा ये बायो फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं बेसिकली हम कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं हम बेटा जी फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें यूज हो रही हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग ओके केमिकल तो नहीं यूज कर रहे सारी नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं तो एक बारी ये टेबल पूरा आपको याद रखना है दूसरा हम एक बार यहां से पढ़ लेते हैं तो बायो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो केमिकल ना यूज करके हम लोग स्विच कर चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यहां पर हम लोग यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स तीनों बताए हैं हमने इन तीनों को ही टेबुलर फॉर्म में लिखा है बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनो सबसे पहले नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्युनस प्लांट्स आर फॉर्म बाई सिोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम जो कि बैक्टीरियल कैटेगरी में आता है ये क्या करेंगे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे बेसिक नाइट्रोजन साइकिल तो हमें आता ही है अदर कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल वो तो था सिम्बायोटिक ये क्या है फ्री लिविंग एजोस्पायर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हो गई देन फंजाय बेटा जी माइकोराइजा के फॉर्म में प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएटेड रहता है बहुत सारे में पहला मेंबर बेटा जी इसने बोला है ग्लोमस जो कि किसके साथ रहेगा ऑर्किड्स के साथ रहेगा ठीक है सॉइल एंड द पास इट इनटू प्लांट प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर अदर बेनिफिट्स आल्सो इनको क्या फायदा होता है इनको रूट बॉर्न पैथोजन नहीं होते हैं सैलिनिटी टॉलरेट कर लेते हैं ड्रॉट को टॉलरेट कर लेते हैं ठीक है जी यस चलिए साइनोबैक्टीरिया साइनो अब तीसरी कैटेगरी ये तीसरी ये दूसरी और ये पहला बैक्टीरिया में क्या कह रहे हैं साइनो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया राइस की फील्ड में इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रेजेंट है बीजी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मटीरियल टू तो द दॉय करंटली इन अवर कंट्री बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर कॉमर्शियली अवेलेबल है उनके लिए ताकि हम केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी जो है वो कम कर पाए इट अपने नहीं चाहते कि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें ताकि हमारी सॉइल वॉटर बॉडी पॉल्यूशन से बच जाए सो दिस वी आर डन द होल चैप्टर क्या ये चैप्टर समझ आ गया बताओ पूरा चैप्टर डन हो गया सारी की सारी फील्ड्स के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली विदेड हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसमें हमने चीज कट योगी ड्रिंक डोसा इडली ब्रेड इन सब के बारे में बात की देन इंडस्ट्रियल यूजेज हमने की इंडस्ट्रियल यूजेज में हमने बात की अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स एंड देन टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक एसिड चार तरीके के एसिड्स। देन वी टॉक्ड अबाउट एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस अमाइलेजेस पेक्टिनेजेस प्रोटीनेजेस

कौन से दो इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व है आई ए आर आई एंड के वी आई सी इंपॉर्टेंट है फुल में भी आ सकता है पाउडर्स फॉर्म में, की, की में मिलता है में उसमें पानी घोलते हैं और स्प्रे कर देते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर उससे बच जाते हैं उससे हम प्लांट को बचा लेते हैं देन हमने बायो फर्टिलाइजर की बात की तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया पहला बैक्टीरिया देन दूसरा फंजाई एंटी

अपने छोटे भाई बहन जो 2025, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी ये लिंक देना ताकि उनको भी फ्यूचर में स्कॉलरशिप्स मिल पाए और ये प्राइजेस भी मिल पाए साथ ही में, साथ ही में बेटा जी ऑल औल ऑल स्टार टेस्ट सीरीज का जो क्रैश कोर्स तो बेटा चल रहा है हमारा ऑलरेडी ऑल स्टार क्रैश कोर्स हमारे पास बैस वैसे डिमांड आ रही है कि क्रैश कोर्स एक नया शुरू किया जाए मे बी वी कैन अब बेटा जी ऑल स्टार टेस्ट सीरीज आप कम से कम ले सकते हैं ये टेस्ट सीरीज में आप सारे वो टेस्ट दे पाएंगे उन बच्चों के साथ जो बच्चे क्रैश कोर्स में प्रिपेयर कर रहे हैं ये टेस्ट सीरीज अभी अर्ली बर्ड ऑफर में नाइन 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 की उपलब्ध है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोड क्या लगाना है सीप लाइफ फर्स्ट टेस्ट इसका संडे यानी कि इलेवेंथ फेब को होने वाला है ठीक है जी यस इलेवेंथ फेब को होने वाला है मैंने बेटा किसको कैटेगरी में थोड़ा डाला है मैंने इसको कैटेगरी में कहाँ डाला है तुम कंफ्यूज हो रहे हो बेटा ये एक बच्चा जो बोल रहा है फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक मैंने इसको कोई कैटेगरी में नहीं डाला दीज आर सेपरेट नेम्स क्योंकि ये तो दोनों है तो मैंने इसको अलग से लिखा है आई हैव नॉट पुट इट अंडर फ्री लिविंग प्लीज बी माइंडफुल मैंने इसको यहाँ फ्री लिविंग के अंदर नहीं डाला है ओके okay जी अलग से लिखे हैं नीचे नाम दोनों में आते हैं ना क्योंकि इस वजह से चलिए अब क्लियर हो गया हाँ जी तो ये मुझे आपको बताना था आप सब बच्चे मुझे जरूर बताएं सेशन कैसा लगा एंड आई विल शेयर द क्यूज ऑन माई टेलीग्राम सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल एज वेल एज इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ठीक है चलो बाय बाय गाइस टेक केयर कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे नए चैप्टर का नाम होने वाला है एवल्यूशन ओके okay जी स्पेशल क्लास मैंने स्पेशली बता दिया था हर क्लास में बताती हूँ निखिल यादव आप क्लास अटेंड पूरी नहीं करते हैं तभी यहाँ पर आकर एक ही सवाल को दस बार ही पूछेंगे स्पेशल क्लासेस मंडे से शुरू हो रही हैं क्यों मंडे क्योंकि संडे को बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर बच्चे को देना है फुल सिलेबस होता है इसका कोई सिलेबस मतलब अलग से डिफाइन नहीं होता है अब वैसे भी आपको सिलेबस पूछना नहीं चाहिए जो बच्चे ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है चलो बाय बाय गाइज टेक केयर